बहुत समय पहले की बात है, एक किंगडम था जिस पे पड़ोसी जो किंगडम थे वो सारे अटैक कर रहे थे, और उस किंगडम की उन्होंने ऐसी की तैसी करके रख दी थी। अब यहाँ के लोग डर में रहने लग गए थे कि यार कभी भी हम मर सकते हैं, और जो राजा ने यहाँ की मिलिट्री भेजी थी वो भी हार कर आ चुकी है। तो अब इन्होंने डिसाइड किया है कि खुद मिलिट्री को ट्रेनिंग देंगे और भेजेंगे वहाँ पर, ताकि अपने राज्य को घुसपैठियों से बचा सके। यहीं पर हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि महल में आया हुआ है। ये राज्य का एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बड़ा आदमी होता है, इसको मंत्री कह के बुला सकते हैं। अब जैसा कि ये आया हुआ है तो ये इसकी बेटी जो होती है उसकी शादी करवाना चाहता है किंग से, और इसकी बेटी को फिर हम देखते हैं। ये लड़की आकर राजा को कह रही है कि चलो हम शादी कर लेते हैं और हमारी ऐसी ड्रेस होगी, ये होगा, वो होगा, कर रही होती है, और राजा को इस पर गुस्सा आ रहा होता है। वो कहते हैं मैं शादी नहीं करूंगा तुमसे, और ये उनके चेप हो जाती है, करो करो करो, और राजा जो है खुद को चाकू मार लेते हैं यहाँ पर, और सीन यहाँ से पूरा कट हो जाता है। और हम आ जाते हैं प्रेजेंट डे में एक क्लासरूम के अंदर, जहाँ पर हम अपनी मेन लीड ली फूजू को देखते हैं। ये कॉमिक पढ़ रही होती है, और इसमें वही वाली स्टोरी होती है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखी, जो कि अभी तक कॉमिक चल रही थी। तभी टीचर इसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि हाँ यही करने आती हो, यहाँ पे पढ़ाई वढ़ाई नहीं करती हो, और बुक ली फूजू की फ्रेंड शाओजू भी होती है, तो दोनों को क्लास से बाहर भगा दिया जाता है। क्लास के बाद टीचर मॉनिटर से कहते हैं कि ली फूजू का बैग चेक करो, और भी कॉमिक्स मिलेंगी उसमें। बैग चेक करने पर उसमें कॉमिक्स तो नहीं पड़ा, बहुत सारी चिज्जी निकलती है खाने वाली, और ली फूजू आकर बैग छीनने लग जाती है, वरना इसका सारा सामान ये ले लेते, पर गलती से फिसलती है और मॉनिटर की पैंट उतर जाती है। यहाँ पर अब क्लास में तो इसकी थू-थू हो गई, बंदे वीडियो एडिट सब बना लेते हैं भाई। मॉनिटर गुस्से में ली फूजू के पीछे भागता है, ये भागती हुई बॉयज वॉशरूम में घुसकर छुप जाती है। मॉनिटर बाहर पीट रहा है खोल दरवाजा खोल, वो कहती है मैं नहीं खोल रही, और तभी लाइट चली जाती है, अंधेरा हो जाता है, और टॉयलेट खुलता है जिसमें रेड रेड चमक रहा होता है, और ली फूजू वहां से सीधी टेलीपोर्ट होकर उसी किंगडम में आ जाती है जिसकी हमने स्टोरी देखी थी। अब यहाँ पर किंग भाई जो होते हैं वो टॉयलेट के अंदर बैठे होते हैं, तो लड़की को देख कर चीख जाते हैं कि कहाँ से आ गई है, और गार्ड्स को बुलाया जाता है, और सबका कहना है कि लड़की भाई असासीन है, वो एक एक को काट के रख देगी, पड़ोस वाले राज्य से आई हुई है, उसने कपड़े भी बहुत अजीब से पहन रखे होते हैं। यहाँ किंग की मोम को लगता है कि मेरा बेटा तो लड़की बाज निकला और बाथरूम में लड़कियां लेकर घुसा रहता है, जमाना थूकेगा उस पर, और कहती है कि देखो उस लड़की के लिए ड्रेस और ज्वेलरी का जुगाड़ करवाओ, क्योंकि रानी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। अब यहाँ पर किंग भाई गुस्से में है, ली फूजू को मारने जा रहे होते हैं, लगता है कि पड़ोस वालों ने भेजा है इसको घुसपैठिया बनाकर। ली फूजू जगह देखकर पहचान गई है कि अब ये तो वही जगह कॉमिक वाली, कहाँ गई मैं, इसको भरोसा नहीं हो रहा होता, पर इसको लगता है कि सपना देख रही हूँ, तो ये खुद को चाटा वाटा मार के उठाने की कोशिश करती है, और डोर खोलने की जब कोशिश कर रही होती है तो बाहर से किंग आते हैं और बेहोश हो जाती है गिर के टक्कर खाकर। और जब ली फूजू की आंखें खुलती है तो इसके सामने बहुत सारी मेड्स होती हैं जो इसको सल्यूट कर रही होती, तभी इसकी मेन मेड आकर इसको बताती है कि किंग तो आपको मारने जा रहे थे, पर उनकी माता जी यानी कि रानी ने आकर आपको बचा लिया। ली फूजू देखती इस लड़की को तो ये लड़की इसकी फ्रेंड की तरह होती है जिसने इसको कॉमिक दी थी। ये कहती है कि क्या चल रहा है पर क्यों बने वैसे, बट ये कहती है कि नहीं आप गलत समझ रही हूँ मुझे, मैं वो नहीं हूँ। फिर ली फूजू को सजाने वजाने लेकर ये लोग चले जाते हैं। यहाँ पर रानी को पूरा भरोसा हो गया होता है कि जो लड़की है वो हेवन की परी है, वहाँ से आई है और ये हमारे राज्य को बहुत ही सुंदर बना देगी। किंग सोच रहे होते कि मेरी माँ पगला गई है, कहते कि आपको पूरा भरोसा है कि वही है, ये कहती हाँ हाँ बिल्कुल भरोसा है मुझे। किंग की माँ फिर कहती है कि देखो तुम्हें उस लड़की से शादी करनी होगी, यानी कि मंत्री की बेटी से, बट ये कहते कि नहीं मैं उससे शादी वादी नहीं करूँगा, उससे बढ़िया मैं मर जाऊँ, और इन दोनों की थोड़ी तू तू मैं हो जाती है यहाँ पर। दूसरी तरफ यहाँ पर ली फूजू को मस्त नहलाया जा रहा होता है, ट्रीट किया जा रहा होता है उसको एकदम मतलब शाही तरीके से, और यहाँ आज राजमहल में वही राज्य के मेन हेड यानी जो मंत्री आए होते हैं अपनी बेटी को लेकर, क्योंकि सभी को खबर मिल गई है कि राजमहल में एक हेवन की परी आई हुई है। तभी यहाँ पर हेवन की परी यानी ली फूजू आती है, राजकुमार को देखकर सोचती है कि अब भी ये तो मेरे क्लास मॉनिटर जैसा दिखता है बिल्कुल सेम टू सेम, और रानी की तारीफ भी कर देती है और बाकी इन दोनों लोगों से भी बातें करती है, क्योंकि ये इन दोनों को तो जानती ही है, कॉमिक में पढ़ के पता है इसको कि सब कौन कौन है यहाँ पर। तभी राजकुमार कहते हैं कि देखो परी तुम्हें एक मंथ का टाइम देता हूँ मैं, इस राज्य को पावरफुल बना दो और यहाँ पर हरियाली ला दो, इस राज्य की भुखमरी मिटा दो, मतलब एकदम बढ़िया राज्य बना दो इसको, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहती है एक महीना, मैं कल दोपहर तक कर दूंगी ये तो। अब खुश हो जाते हैं भाई किंग सुन के, दोपहर तक, कहते हैं कि देखो अगर नहीं कर पाई तो तुम्हारा गला काट दूंगा सबके सामने। ये कहती है कि ठीक है, और रात होते ही ली फूजू वापस टॉयलेट में भागती है ताकि अपने वहाँ पे जा सके, और जब वहाँ पहुँचती है तो इसको याद आता है कि अब भी आज तो वही दिन है जब किंग ने खुद को चाकू मारा था, तो भाग कर जाती है ये नज़ारा देखकर उसका लुफ्त उठाने के लिए। और फिर से हम वही वाला सीन देखते जो हमने शुरू में देखा था, जहाँ पर वो लड़की मंत्री की बेटी राजा को फोर्स कर रही होती किंग को कि शादी करो मेरे से, वही शुरू वाला सीन।
और फिर हम वहां से एकदम से क्लासरूम में आ जाते हैं। या क्लासरूम में ली फूजू की फ्रेंड उसको बता रही है कि मैंने ये वाली कॉमिक पढ़ ली है, इसमें जो ये मंत्री की बेटी होती है वो बहुत बुरी होती है, उसने अपनी बहन को पॉइजन दिया और अपने मंत्री से उसके ऊपर हैरेस करवाया और जिस वजह से उसकी बहन ने सुसाइड कर लिया था। और कॉमिक में भी यही बताया गया है कि इस मंत्री की बेटी ने ही किंग को मार दिया था एक टाइम पर। अब मतलब ये इतनी सारी हमें सच्चाई पता चली गई है, तो वापस यहाँ पर जब हम प्रेजेंट में आते हैं तो राजा चाकू से अपने आप को मारने वाले होते हैं, तभी ली फूजू यहाँ पर आ जाती है और किंग गुस्से में कहते हैं कि पकड़ लो इसको और भागने लगती है। ये भाग कर वापस टॉयलेट में जाती है और मेड को कहती है जाते हुए कि देखो तुम भी आना किसी दिन हमारी दुनिया में, मजे करेंगे, और टॉयलेट में जाकर कूद जाती है और वापस अपने वर्ल्ड में आ जाती है। डोर खोलती है, बाहर जाती है तो बाहर किंग खड़े होते तलवार लेके इसको मारने के लिए, और तभी इसकी आंखें खुलती है पैलेस के अंदर बेड पर। राजा इसको देख रहे हैं, ये राजा को देख रही है, और हाँ ली फूजू अभी तक पैलेस में ही होती है क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि टॉयलेट में गिरकर बेहोश हो गई थी बेचारी। किंग कहते हैं कि अपना वादा पूरा करो जल्दी से। राजा के यहाँ से जाने के बाद ली फूजू मंत्री की बेटी को पकड़ लेती है, इस लड़की का नाम चैन होता है। ये चैन से कहती है कि मेरे को पता है कि तू किंग को मारने वाली है। चैन भाई कंफ्यूज क्यों हुई, इसको कैसे पता चला? ली फूजू कहती है कि तुमने अपनी बहन के साथ भी ऐसा ही किया था, मुझे सब पता है, तुम्हारे फादर भी दुश्मनों के साथ मिले हुए इस राज्य पर अटैक करेंगे और तुम लोग इस राज्य को हड़प लोगे, कुछ इस तरह का। मतलब पूरी कॉमिक की कहानी तो पता ही है इसको, तो बता देती है ये। चैन सोचती क्यों हुई और इसको कैसे पता चल गया सब कुछ, और ये मतलब इस पर अटैक करने जाती है, बट ली फूजू पीछे मुड़ जाती है तो ये अटैक करने का आइडिया थोड़ा ड्रॉप कर देती है। ली फूजू कहती है कि अरे बहना मैं तो तुम्हारी साइड ही हूँ, मार दो किंग को, वैसे भी मुझे रोज मारने की धमकी देता रहता है वो, और मुझे उससे बचा लो वरना तुम्हारा सीक्रेट मैं सबको बता दूंगी और तुम दोनों बाप बेटी ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाओगे। अब चैन यहाँ से भागी भागी अपने पिताजी के पास जाती है और कहती है कि उसको सब पता है हमारे बारे में और अगर हमने उसको किंग से नहीं बचाया तो वो हमें ट्रेंडिंग टॉपिक बना देगी। अब भाई मंत्री परेशान हैरान के हो गया, ट्रेंडिंग टॉपिक क्या होता भाई है? ये कहते हैं कि कोई हथियार वथियार होता होगा, पावरफुल वेपन होगा कुछ। और यहाँ पर ली फूजू को खाना देने जो आता है गार्ड, उसको मार पीट के उसके कपड़े पहन कर यहाँ से भाग जाती है। गार्ड फिर इसको ढूंढने लग जाते हैं यहाँ वहाँ, और ये भागती हुई पत्थर से टकरा कर तालाब में गिरने वाली होती है कि तभी किंग के छोटे भाई यूनली आकर इसको बचा लेते हैं। रुको यार एक मिनट, ये मतलब जो बंदा है ये इतनी गंदी स्माइल करता है, देख कर डर गया था मैं इसको। अब यहाँ पे यूनली इसको बचा लेता है, बचाने के चक्कर में खुद तालाब के अंदर पहुंच जाता है। ली फूजू इसकी हेल्प नहीं करती, भाग जाती है यहाँ से। तभी एक सर्वेंट यहाँ पर आता है और ली फूजू को पकड़ लेता है सर्वेंट समझ कर, और कहता है कि हाँ किचन के लकड़िया कौन काटेगा, और इससे भाई रात से लेके ना सुबह तक लकड़ियाँ कटवाते हैं इससे वहाँ पे। अगली सुबह किंग आते हैं, इसको उठाते हैं और कोर्ट में बुलाते हैं। सब यहाँ पर आए हुए हैं क्योंकि आज हेवन की जो परी है वो बताने वाली है कि हम अपने किंगडम को कैसे बचा सकते हैं। अब सब इससे पूछते हैं कि हाँ जी चलो बताओ कैसे बचाना है। तभी इसको अपने टीचर की एक बात याद आती है कि हम कैसे पानी का यूज़ करके सिंचाई करने वाला सिस्टम बना सकते हैं जिसकी वजह से हम नदियों के पानी को खेतों तक लाएंगे और खेतों में पानी जाएगा तो हरियाली होगी, फसल उगेगा, जिससे जो राज्य की भूखमरी है उसको मिटाया जा सकता है। अब यहाँ पर ये किंगडम का मैप मंगाती है ताकि बता सके कि इस नदी से इतना पानी लो, इतना लो, ये सारी चीज़ें। और मैप देखकर भाई पता चलता है कि इस किंगडम के अंदर एक भी नदी होती नहीं है, नाला भी नहीं, गटर भी नहीं होता भाई, क्योंकि किंगडम पहाड़ों से घिरा हुआ पूरा। अब इसका प्लान ड्रॉप हो जाता है, ये हैरान परेशान कि अब क्या करूँ, तो मार देगा मेरे को। अब इन्हें खुद भाई पीने के पानी के लिए भीख मांगना पड़ता है, ये लोग सिंचाई के लिए डालेंगे। अब किंग का मूड खराब हो रहा होता बहुत ज़्यादा, ये तलवार लेकर आते हैं काटने के लिए, तभी यूंगली आ जाता है यहाँ पर, यानी किंग का छोटा भाई, और इसको बचा लेता, कहता बड़े भैया इसको एक और मौका दो, लड़का प्यार में गिर गया शायद। तभी मंत्री साहब भी आ जाते हैं, कहते हैं कि हाँ हाँ सुन तो लो क्या कह रही है ये। तो फिर ये बताती है कि हमें सिंचाई करने वाला बनाना चाहिए जिससे हमारी भुखमरी मिट सकती है यहाँ पर। ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, अब टेक्निक बताओ कि बनाते कैसे। ये कहती है कि नहीं, ये हेवन सीक्रेट है तो किसी को बताया नहीं जाता है। मंत्री कहते हैं कि तुम किंग को बता सकती हो क्योंकि वो सन ऑफ हेवन है। अब अगले सीन में हम मंत्री को देखते हैं, अपनी बेटी को याद कर रहे हैं जो कि मर गई होती है। चैन अपनी बहन से अभी भी जल रही होती है, खूब बुराई करती है और कहती है कि उसने हमारी फैमिली की इज्जत डुबा दी, ये कर दिया वो कर दिया। फादर इसको चुप कराते हैं और कहते हैं कि देखो तुम जाओ सीधा राजमहल में और वहाँ से रानी से परमिशन लो, तुम वहाँ पर रहो थोड़े दिन और ली फूजू पर नज़र रखो। ली फूजू यहाँ पर घूमते हुए आज यूनली से टकरा जाती है, मिल जाती है। यूनली कहते हैं कि बताओ ना अपने राज्य के बारे में, वहाँ क्या क्या होता है। और फिर क्या मतलब भाई, गार्ड बाकी के सारे राज्य के लोग जितने मतलब बेरोजगार बिल्ले होते घूम रहे होते हैं यहाँ, सारे आ जाते हैं यहाँ पर इसकी बात सुनने के लिए। ये बताती है कि हमारे यहाँ कार्स है, प्लेन्स है, शिप है, मोबाइल है, बाकी सब कुछ चीज़ें हैं, जितनी भी मेन मेड की चीज़ें बनाई है ना अब तक इंसानों ने, हमने वो सब कुछ बता देती है ये। अब किंग भी आए होते हैं यहाँ पर, ये बताती है फिर कि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ लव है कि हम जिसको पसंद करते हैं उससे हम शादी कर सकते हैं, चुन सकते हैं अपने जीवन साथी को, ऐसा कुछ। अब किंग को ये बात मतलब गुस्सा आ जाता है ये सुन के कि नहीं नहीं ऐसा तो होता ही नहीं, यहाँ से चले जाते हैं चुपचाप।
और यूनली भाई इसको देख के जा रहा, दीवाना हो गया होता है ना इसका वो। रानी ने अवर चेन को परमिशन दे दिया होता है रहने के लिए राजमहल में, तो भी यहाँ पर एक आती है मेड भागती भागती और बताती है कि वो हेवन की परी जो है वो बाहर जाके लोगों को पता नहीं क्या अजीब अजीब चीज़ें बता रही है। क्वीन गुस्से में बाहर आती है और उसको बहुत सुनाती है कि कैसी अजीब बातें करती हो तुम, ऐसी भी भला कोई चीज़ होती है, प्लेन कार मोबाइल क्या ये सब, हमने तो नहीं देखा आज तक। यूनली कहता है कि माँ उसे मत बोलो, वो तो मेरे कहने पर कर रही है ये सब, लोंडे को प्यार हो गया। क्वीन कहती है कि तुम्हें चेन से तमीज सीखनी चाहिए कि लड़कियों को कैसे रहना चाहिए। अब यहाँ पर किंग अपने ओल्ड लव को याद कर रहे होते हैं अकेले में बैठकर, और इनका जो ओल्ड लव यानी कि गर्लफ्रेंड थी जो, वो चेन की बहन थी जो कि मर चुकी है। फिर उसकी याद में दबा के दारू पीते हैं और नशे में पड़ जाते हैं, और इस बात का फ़ायदा उठाकर चेन रात को इनके रूम में आकर इनको दबोचने की फिराक में आई हुई है। बस भाई काम शुरू करने ही वाली थी वो कि पता नहीं किंग को क्या हो जाता है, उठ के भाग जाते हैं यहाँ से। अगली सुबह किंग अपने गार्ड को ली फुजू के रूम में लेकर जाते हैं और वहाँ पे उसका बैग चेक करने को कहते हैं, क्योंकि उसमें से भाई आवाज़ें आ रही होती बड़ी अजीब अजीब सी। तभी ली फुजू भागती हुई यहाँ पर आती है और मोबाइल को निकालती है बैग से और सारे अलार्म बंद करती है, क्योंकि उसने बहुत सारे अलार्म लगा के रखे होते। राजा साहब हैरान परेशान कहते कि हे परी क्या ये हेवन का खजाना है? ये कहती है हाँ असल में खजाना ही है मोबाइल तो आजकल। फिर इन्हें चिज्जी विज्जी दिखाती है बैग में से निकाल के, कहती खाओगे क्या? ये उनको भी देती है और मतलब खुद भी खाती है जो कि बहुत टेस्टी होता है। राजा खा के मतलब भाई खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं बिल्कुल। और अगले दिन किंग लू फुजू को गेम खेलना सिखाते हैं, तीर चलाना सिखाते हैं, और ली फुजू इनका मस्त BTS के गाने वाने सुनाते हैं, मूवी दिखाती है। राजा साहब कहते हैं वे तो बवाल चीज़ है वे, और चेन ये सब देखकर चल रही होती है बहुत ज़्यादा कि भाई राजा तो इसका करीब जा रहा, मेरा क्या होगा। और ली फुजू के रूम में आकर इसे गोल्ड की ज्वेलरी गिफ्ट करती है। ली फुजू अब तो ठहरी छोटी लड़की, तो उसको क्या ही मतलब उतनी समझ होगी, उसको पता है कि ये जो चेन का करेक्टर है वो एक नंबर की धोखेबाज लड़की है। फिर भी वो गहने वहने देखकर एक मिनट के लिए सब भूल जाती है, और फिर ली फुजू बहुत खुश होती है गहने को देखकर। और एपिसोड के एंड में हम देखते हैं चेन को जो कि गुस्से में ली फुजू के रूम से बाहर आ रही होती है, जैसे ली फुजू को काट के आ रही हो अंदर से। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर ख़त्म होती। चेन जल्दी से ली फुजू के रूम से बाहर आती है गुस्से में और अपनी मेड को खींच के लाफा देती है गुस्से में, और मतलब ली फुजू का सारा गुस्सा अपनी मेड पर निकाल रही होती है ये। और अपनी बहन की ग्रेप पर जाती है यहाँ से और कहती है कि देख लेना मैं ही बनूंगी इस किंगडम की एम्परर, मतलब यहाँ की वो शहंशाह बनना चाहती है एक तरह से। और यहाँ पर ली फुजू बेचारी किंगडम मैप देख रही होती है, सोच रही होती है कि मैप में पानी कहाँ से आएगा। किंग आते हैं कहते हैं कि परी पानी नहीं मिलेगा यहाँ पर, किंगडम पहाड़ों से घिरा हुआ है। परी बताती है कि पृथ्वी पर इतने परसेंट पानी है, इतने परसेंट जमीन है, वही सारी चीज़ें तो हमने स्कूल में पढ़ी होती है ऑलरेडी। तो किंग कहते हैं कि ये पृथ्वी क्या चीज़ होती है परी, ये कहती है कि जिस पे हम रहते हैं। किंग भाई गुस्सा हो जाते, कहते नहीं ऐसा कैसे हो सकता, आसमान गोल है और हम जिस पे रहते हैं वो चपटा है, मतलब स्क्वायर है। ओके अब दोनों की बहस हो रही है होती है यहाँ पर। परी कहती है कि मैं हेवन से आई हूँ तो मुझे सब कुछ पता, तो तुम अपना मुंह बंद रखो। और फिर किंग इसका फ़ोन लाते हैं और कहते हैं हे परी इसमें लाइट क्यों नहीं चलती है। वो भाई साहब ली फुजू कहती है कि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई है। और फाइनली अपने को इनर पीस मिलता है कि चलो बैटरी तो ख़त्म हुई कम से कम। अब इतने में इसे किचन की याद आती है जो इसके आईफोन में लगा हुआ था। ये कहती है कि कहाँ गया वो, ढूंढो उसको। और किंग ने उसको चुरा कर मजाक करने के लिए जस्ट एक गमले में डाल दिया होता है पीछे, और वो सर्वेंट उठाकर गमला निकल जाता है और जल्दी से सारे उस सर्वेंट के पीछे भागते हैं। पर की चैन एक पोंड में जाकर गिर जाता है और किंग पोंड में गिर जाते हैं और किंग का दिल ली फुजू के प्यार में गिर जाता है। और ये सब चैन देख रही होती है दूर से, जल रही होती है, उसका काम है जलना खाली। और किंग अपने बहुत नाजुक होते हैं यार, सर्दी हो जाती है इनको रात को। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर वो क्रीपी गाय यूनली को, वही अजीब से स्माइल करता है, और ली फुजू को मेड के साथ मस्ती कर रहे होते हैं। पर तभी इतने में चेन आती है और बहुत सारी ज्वेलरी लेकर आई है और ज़्यादा इसके लिए ली फुजू के लिए। ये कहती है कि मेरे फादर ने तुम्हें बचाया था, तो तुम्हें अगर जिंदा रहना है तो किंग को बोलो कि वो मुझसे शादी करे, क्योंकि वो तुम्हारी बात शायद मार लेंगे क्योंकि तुम हेवन की परी हो। तो ली फुजू किंग से जाकर इस बारे में बात करती है, कहती है कि शादी से कर लो यार क्या दिक्कत है। तो ये कहते हैं कि नहीं मेरे को नहीं करना, मैं मर जाऊंगा पर शादी नहीं करूंगा। ली फुजू खुश हो जाती है कि सही यार मर जाएगा, मैं तो बच जाऊंगी कम से कम। पर किंग कहते हैं कि नहीं 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 मरने से पहले मैं तुमको मार के जाऊंगा। अब ये सुनकर ली फुजू को गुस्सा आ जाता और फिर वो यहाँ से बाहर जाती है, बाहर गार्डन में जाकर मस्त चिकन विकन रोस्ट करने लगती है। यहीं पर वो क्रीपी गाय आ जाता है यूनली और बैठ जाता है, दोनों यहाँ पर चिकन ठूसने लग जाते हैं। और इसी दौरान इनसे एक आग की तीली घासों पर गिर जाती है बाहर, और मेड कहती है कि देखो यार यहाँ पर ये सब मत करो खाना वाना बनाने का, ये जुर्म है, अगर पकड़े गए तो सजा मिलेगी हम सबको। पर इन दोनों को कोई फर्क वर्क नहीं पड़ रहा होता है, मस्त खा रहे होते अपना। और यहीं पर क्रीपी गाय ली फुजू को बताता है कि मेरे भाई किंग की पहली जो गर्लफ्रेंड थी वो मर गई और वो चेन की बहन थी, इसलिए अब मेरे भाई शादी वादी नहीं करना चाहते क्योंकि वो उसे सच्चा प्यार करते थे। और बस इतने में गार्डन में लग जाती है आग और तीनों
गुनहगारों को रानी के सामने लाया जाता है। आग लगने पर नुकसान यह बताया गया है कि चेन घायल हो गई है और रानी के फेवरेट प्लांट जल गए। प्लांट जल गए कोई बात नहीं, वो तो जलना ही था कि आग लगी थी वहां पर, वो चेन वहां पर रात को क्या कर रही थी। जो सारा आग लगने का इल्जाम होता है वो ली फुजू की मेड अपने ऊपर ले लेती है और इसको रानी यहाँ पर कहती है कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। फिर यहाँ से सभी चेन से मिलने जाते हैं जो कि आग में जल गई होती है और नकली का ढोंग कर रही होती है, भाई ये सपोली है एक नंबर की है। और तो भाई डॉक्टर को भी पैसे वैसे दे रही होती है फेक रिपोर्ट बनाने के लिए। और यहाँ पर इतनी ही देर में मेड जो है वो कोड़े खाकर भी आ जाती है, बेचारी उल्टा लेटी हुई होती है। लीफुजू को बहुत बुरा लग रहा होता है, कहती है कि देखो यार तुमने मेरे लिए कोड़े वोड़े क्यों खा लिए। ये मेड कहती कि आप बहुत अच्छी हो, मेरी फिक्र करती हो क्योंकि आपने जैसा मेरे साथ बिहेव किया इससे पहले मेरे साथ किसी ने भी नहीं किया था। और यहाँ चेन अपनी मेड से कह रही होती कि जाओ हेवन की परी को बुला कर लाओ क्योंकि मैं घायल हूँ और सब देखने आए, वो नहीं आई थी। मेड कहती कि अब तो रात हो गई है तो अब नहीं बुला सकते। तो चेन अपनी मेड को खींच के एक और थप्पड़ मारती है और मेड आती है और देखती है कि ली फुजू अपनी मेड को मस्त प्यार से खाना वाना खिला रही होती है। अब ये देख के सोचती है कि यार एक मेरी मालकिन है जो मेरे को चाटा मार देती है हर बात पे, अब बिना बात के भी मार ही देती है और इसको यहाँ पर मस्त खिला रही होती है। तो ये परी को कहती है परी तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें चेन ने बुलाया है। ली फुजू हाथ धोकर मिलने जाएगी ये बोल के यहाँ से चली जाती है और साथ में इसको चिकन का पीस दे देती है। और भाई साहब ये चिकन को खाती है, इसको मजा आ जाता है क्योंकि आज से पहले इन लोगों ने ऐसा कुछ खाया नहीं था। अब मेड यहाँ पर आती है वापस पर ली फुजू नहीं आई होती। चेन कहती ली फुजू कहाँ है, मेड कहती कि मुझे नहीं पता, उसने तो बोला था हाथ धोकर आ जाऊँगी पर अभी तक आई नहीं। और इतने में इसका मुंह पे जो खाया था वो लगा होता है ना थोड़ा, तो चेन को आ जाता गुस्सा और इसको मारती पीटती है, कहती है कि हम नहीं खिलाते तुझे, यहाँ पे आके खा रही है तू, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातें करती है। और यार ली फुजू ठहरी यार 16 साल की मासूम लड़की, उसे क्या ही पता, वो घूम फिर रही होती मस्ती मार रही होती यहाँ पर। और यहीं पर बाहर रानी की और किंग की बातें सुनने लग जाती। रानी कह रही होती कि शादी कर लो उससे, मतलब चेन से, और अगर अपना किंगडम बचाना है तुम्हें तो कर लो, वरना देखो थोड़े दिन बाद तुम किंग नहीं रहोगे और पूरा किंगडम हमारा बर्बाद हो जाएगा। और तो और तुम और मैं और तुम्हारा वो भाई क्रीपी का तीनों आ जाएंगे जेल के अंदर। अब यहाँ पर ये कहता है कि जो चेन का बाप है वो बहुत गंदा आदमी है, उसने हमारे जो किंगडम के अंदर जितनी भी फैक्ट्रीज कारखाने थे सबको बेच दिया, तो वो अच्छा आदमी नहीं है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ। बट रानी कैसे भी करके किंग को मना लेती है शादी करने के लिए। रानी के जाने के बाद किंग ली फुजू को अंदर बुलाते क्योंकि उनको पता था कि वो छुप के बातें सुन रही थी। वो बताती है कि तुम चेन की बहन से प्यार करते थे और इसे पास्ट भूल के फ्यूचर देखने को कहती, क्योंकि वो बताती है इसको कि देखो यार पास्ट में कुछ नहीं रखा, ठीक है जो हो गया वो हो गया, फ्यूचर पर नजर मार लो, अच्छा है बहुत सुंदर होता है। और दोनों फिर यहाँ एक साथ सोने लग जाते हैं रात। और रात होते ली फुजू बहुत देर तक नाक बचाती है, खराटे ले रही होती है और अपना एक पैर किंग का मुंह पे दे मारती है तो इसके पैर में से स्मेल आ रही होती है। तो किंग उसको उठकर रातों रात साफ करने लग जाते हैं और बाहर खड़े गार्ड ये देखकर चौंके हुए कि राजा जी ने आज लगता है पता नहीं कौन सी मदिरा का सेवन कर लिया, भाई भयंकर नशा हो गया इनको, ऐसा काम कर रही है। और अगली सुबह चेन ली फुजू की मेड को अपने पास बुलाती और कहती है कि तुम्हारी जो परी है वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई थी। ये कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि वो रात को कहाँ गायब थी। इतने में चेन को आ जाता गुस्सा और ये इसको मारने पीटने लग जाती है, और मतलब घटिया यार ये एक नंबर की। और तब यहाँ पर बाहर से दो लोंडे आ जाते हैं और ये नज़ारा देख रहे होते हैं और दोरा पड़ने का नाटक कर देते हैं कि यहाँ पर मतलब ऐसे ऐसे होने लग जाता है। ये दोनों देखकर चेन उसकी मेड को लगता है कि पागल है, दोरा आगे भाग जाती है डर के मारे दोनों बहन। और अगर मैं इन दोनों की बात कर लूँ कि कौन है, तो इनके बारे में हम आगे बात करेंगे कि कौन है, ये भी महल के अंदर के ही सदस्य होते हैं। यहाँ पर ली फुजू क्रीपी गाय को ढूंढ रही होती क्योंकि कुछ दिन बीत चुके हैं, आजकल क्रीपी गाय स्माइल नहीं करता है ना दिखाई देता है, तो इसको मिल जाता है, दबोच लेती है, कहते हैं हाँ वो कहाँ है तो इतने दिनों से। ये कहता है कि मैं बिजी हूँ, भाग यहाँ से। और ली फुजू इसका पीछा करने लग जाती है कि लौंडा जाता कहाँ ये दिन दहाड़े। और भाई क्रीपी गाय जाता है गार्डन के अंदर, प्लांट व्लांट लगा रहा था अभी मम्मी के लिए, है ना। तो ली फुजू उसकी हेल्प करवाती है आकर। इसी दौरान इन्हें पत्थर मिलता है जिसको घिस घिस कर आग लगाया जाता है। ली फुजू कहती है कि यार मैंने तो पत्थर घिस के आग नहीं लगाया था, है ना। तो यहाँ पर इनको पता चल जाता है कि कोई और ही था जो कि उस रात गार्डन में आग लगा कर गया था इन पत्थरों का इस्तेमाल करके। और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम उन्हीं दोनों को बात करते हुए देखते हैं, ली फुजू और इस क्रीपी गाय को, कि यार आग किसने लगाई होगी यार गार्डन के अंदर, ऐसा कुछ हो रहा होता है इनका। फिर यहाँ से ली फुजू उठकर अपने रूम में जाती है और मेड के फेस पर चाटे का निशान देखकर गुस्सा हो जाती है, कहती किसने मारा इसको। वो दोनों बताते हैं कि चेन ने मारा है। अब ली फुजू को गुस्सा आ जाता है और कहती कि हिम्मत कैसे उसकी मेरी फ्रेंड को मारने की, क्योंकि ली फुजू इसको अपनी फ्रेंड मानती है। एक तो इसकी फ्रेंड से इसकी शक्ल भी मिलती है और इसकी फ्रेंड भी बन भी गई है यहाँ पर, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम एज की होती है दोनों। अब अंदर भाई रूम में जाती है, ये एक फावड़ा वेपन लेकर आती है उसको मारने के लिए। और इतने में ही जो यहाँ का दूसरा वाला होता है स्टाफ, मतलब ये एक्चुअली में सेफ होता है, ओके, तो ये आता है कहता है इससे कुछ नहीं होगा, किचन में चलो मेरे साथ चाकू देता हूँ। वो भाई इसको इतना बड़ा चाकू दे देता है, पता नहीं क्या कहते हैं इसको। और ये ली फुजू उठा के जाती है चेन को काटने के लिए। जब यहाँ पर आती है
तो चेन के पिताजी आए होते भाई मंत्री। तो लीफूसु चेन से कहती है कि आगे से मत करते ना ऐसा, और जाने लग जाती है। मंत्री इसको रोकते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर चाकू लेकर क्यों घूम रही हो। ये कहती है कि मैं शो दिखाने आई थी आप लोगों को यहाँ पर। मंत्री कहता है दिखाओ फिर। लीफूसु को आता भी नहीं है शो दिखाना, ये भागने की कोशिश कर रही होती है, पर मंत्री कहता है दिखाओ दिखाओ। इतने में चेन की जो मेड होती है वो चाकू लेकर लीफूसु पर फेंक देती है। ये सबसे बड़ी सबोली है ये। और लीफूसु भाई उसको रोक नहीं सकती क्योंकि उसको तो कुछ आता ही नहीं है। तभी उसके सामने किंग आ जाते हैं और किंग का गार्ड जो होता है वो चाकू को तलवार से काट देता है और लीफूसु इस तरीके से बच जाती है। लीफूसु और किंग को इतने पास में देख कर जो क्रीपी गाय होता है वो बहुत ज़्यादा जल रहा होता है क्योंकि वो लीफूसु को पसंद करता है ना। अब चेन समझ जाती है कि मामला बिगड़ गया है, मतलब राजा वाजा भी आ गए यहाँ पर। तो वो किंग से सॉरी कहती है बट किंग उसको गुस्से में घूर रहे होते हैं। और यहाँ सबके जाने के बाद में पता चलता है कि चेन और इसके इस फादर ने ही गार्डन में आग लगाया था ताकि वो लीफूसु को मतलब सबक वबक सिखा सके। चेन कहती है कि परी जो है वो किंग के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आने लग गई है, हम उसको बाद में मारेंगे कैसे जान से। मंत्री कहता है कि तुम्हारी बहन इससे अच्छा है हैंडल कर लेती अगर वो होती तो। अब ये सुन के चेन भाई पगला जाती है, खुद की तारीफ करने लगती है, मैं ऐसी हूँ ऐसी हूँ कुछ नहीं कर सकती, मेरे को लगता है ना कि पागल वागल है ये शायद ये जो है ये। अब यहाँ से हम आ जाते हैं किचन में। यहाँ जो सैफ होता है ना भाई बहुत फनी होता है ये कैरेक्टर, इसका चाकू तोड़ दिया होता है ना उसने गार्ड ने, तो उसको बहुत गुस्सा होता है कहता चाकू कैसे तोड़ा उसने, बता देते हैं सो कि गार्ड ने तोड़ा है। अब ये कहता है कि देखो गार्ड से बोलो जाकर कि मुझसे फाइट करने आए इस दिन यहाँ पर, मैं उसका इंतजार करूँगा और मैं उसको मार के रहूँगा और फिर बताता हूँ मैं कि कौन है ज़्यादा पावरफुल। यहाँ किंग को लीफूसु और क्रीपी गाय ने बता दिया होता है कि आग किसी और ने लगाई थी पत्थर को रगड़ कर ऐसा कुछ, इसलिए फिर ये लोग प्लानिंग करते हैं कि हम कैसे भी करके उस रियल आग लगाने वाले को पकड़ेंगे। और लीफूसु फिर फिंगरप्रिंट के बारे में इन लोगों को बताती है। अभी जो कहती है वो सब मान लेते हैं क्योंकि ये तो हेवन से आई हुई एक एंजल होती है ना। तो यहाँ पर मंत्री आ जाते हैं और कहते हैं परी तुम यहाँ पर कब तक रहोगी। लीफूसु कहती है कि मेरे वर्ल्ड में जाने का जो रास्ता था वो मुझे मिल नहीं रहा है और मैं यहाँ पर जब तक रहूँगी जब तक मैं इस राज्य में नहर नहीं बना देती और पानी नहीं लेकर आ जाती और यहाँ मतलब सब कुछ अच्छा नहीं कर देती हूँ। मंत्री फिर इसे एक घर देते हैं और कहते हैं कि तुम इसमें रहना, इसमें 5 रूम है। लीफूसु खुश हो जाती है पर इसके दिमाग में आता है कि ये बुढ़ा तो हरामी है एक नंबर का, तो मुझे घर कैसे दे सकता है। मंत्री कहता है कि मुझे तुम अपना दोस्त मानो और तुम इस घर में रहना, मैं तुम्हारे पास एक आदमी भेज दूंगा कुछ दिनों में, वो तुम्हें घर दिखाने लेकर जाएगा, अगर तुम्हें घर पसंद आ गया तो ठीक है और अगर नहीं आता है तो तुम दूसरा घर मुझसे मांग लेना। लीफूसु भाई खुश हो जाती है कि उसको घर मिल रहा है, अब तो कौन ही खुश नहीं होगा। और यहाँ में पता चलता है कि घर में लीफूसु को यहाँ पर मारने का प्लान बना रहे होते हैं ये लोग। रात को लीफूसु फिर से सबको इकट्ठा करती है और एक कपड़े पर सबके फिंगरप्रिंट ले रही होती है, सबको बता रही होती है कि हम ऐसे करके पकड़ लेंगे वो जो असली गुनहगार आग लगाने वाले, सारी चीज़ें। चेन भी यहीं पर होती है। लीफूसु की मेड इससे फिंगरप्रिंट मांगने जाती है, इतने में चेन की मेड इसे थप्पड़ मारती है बट थप्पड़ जो होता है वो गार्ड को लग जाता है क्योंकि बीच में खड़ा हो जाता है, पर गार्ड इसको कुछ कहता नहीं है। और गार्ड चेन से कहता है कि किंग ने बोला है सबको फिंगरप्रिंट देना है तो देना है, तो ये दे देती है। और रात होते ही जहाँ ये फिंगरप्रिंट रखा गया होता है कपड़े वाला, ये आकर कोई चोरी करने लग जाता है और सब यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि जाल बिछाया था तो सब यहाँ पर छुपे हुए थे ना यहाँ वहाँ, तो सब निकल कर आ जाते हैं और सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम आ जाते हैं बाहर जहाँ पर हम सैफ को देखते हैं जो कि भाई आधी रात को ठंड में खड़ा गार्ड का वेट कर रहा होता है उससे लड़ाई करने के लिए, खूब जोर से हवाएं वाएं चल रही है तो बिल्कुल फील में होता है, बट काफ़ी देर हो जाने के बाद भी गार्ड नहीं आता है तो गार्ड को लग जाती है सर्दी और वहाँ पर बैठ जाता है, इसकी नोजी बहने लग जाती है वहाँ पर भाई। और यहाँ पर भाई चोर को पकड़ लिया इन लोगों ने, तो ये क्वीन होती है, ये कहती है कि मैं तो बस देखने आई थी यहाँ पर क्या माहौल चल रहा है। तभी जल्दी से इन लोगों को बाहर को भागता हुआ नजर आता है और जल्दी से ये लोग उसके पीछे भागते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं सैफ का जो दूसरा साथी था वो बाहर गरीब को खाना बांटने गया हुआ है। यहीं पर लीफूसु की मेड भी होती है इनके साथ जो कि भेष बदल कर आई होती है और ये कहता है कि देखो किसी को बताना मत महल में कि हम लोग खाना बांटते हैं गरीबों में। लीफूसु बेचारी बहुत दुखी होती है यहाँ पर क्योंकि वो मुजरिम को पकड़ नहीं पाई, अभी अभी वो इसकी आंखों के सामने से भागा है। क्रीपी गाय आता है, कहता है उसे ऐसे पकड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि ये जो जगह है वो बहुत बड़ी होती है राजमहल। अब यहीं पर एक जगह होती है जिसका डोर खुला हुआ दिखता है लोगों को, वहीं ये दोनों बैठे भी होते हैं तो लोग अंदर घुस जाते हैं। क्रीपी गाय कहता है कि यहाँ पर भूत रहते हैं, लीफूसु पत्थर उठा लेती है भूत को मारने के लिए, यहाँ पर आते जाते रहते हैं वो लोग दिखते हैं और खूब डराता है, मतलब इसको बहुत देर तक डराता है। और फिर इसको बाद में बताते हैं कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा, और फिर दोनों यहाँ से वापस जाने लग जाते हैं और लीफूसु फिर पत्थर को वापस फेंक देती है उसी साइड और पत्थर जाकर लग जाता है सैफ को क्योंकि वहीं पर था। इसकी भाई साहब हालत खराब हो जाती है, खून निकलने लग जाता है इसके सर से और इसको ऐसा लगता है कि गार्ड ने पत्थर मारा है और कहता है कि कायर पीछे से चुपके बाहर करता हिम्मत है तो आगे है, इस टाइप की कुछ बातें करता है, बहुत चिल्लाता है रात को। और लीफूसु मैट से बता रही होती है कि आज गुनहगार को सामने से भागता हुआ मैं देखा और वो एक लड़की थी और उसने ऐसे ऐसे कपड़े पहन रखे थे चमकीले चमकीले, अब वो कौन थी ये हमें आगे पता चलता है।
अब यहाँ पर फिर नेक्स्ट डे सेफ गार्ड को पकड़ लेता है और कहता है कि पत्थर क्यों मारा था तूने कल रात को मेरे को। गार्ड को भाई समझ नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहा है, कहता है कि जाके खाना बना ले यार अंदर। सेफ को भाई और गुस्सा आ जाता है कि खाना बनाने को कैसे भूल सकता, कहता फाइट कर मेरे साथ तू फाइट कर, बट गार्ड इससे फाइट नहीं करता, मना कर देता है। और यहाँ पर ली फूजू अभी तक सैड बैठी होती है, तो किंग यहाँ पर आते हैं और इसके साथ गेम खेलने को कहते हैं। गेम नहीं खेलती है, दोनों लड़ाई वड़ाई कर देते हैं और तभी इसके दिमाग में एक आइडिया आता है। ली फूजू किंग को लेकर यहाँ से बाहर जाती है और यहाँ पर सेफ अभी तक गार्ड पर अटैक कर रहा होता, मारने की कोशिश कर रहा, बट गार्ड को कुछ भी नहीं हो रहा होता। गार्ड कहता है कि तुम पागल पागल हो क्या यार। सेफ बेचारा बैठ कर रोने लगता है यहाँ पर और मेड आती है और इसको लेकर अपने साथ चली जाती है। इसका दूसरा साथी कहता है कि क्या हुआ भाई तुम्हें, ऐसी हालत में क्यों हो, सर फटा हुआ है, चला नहीं जा रहा, टांगे टेढ़ी हो रही है तुम्हारी, क्या हो गया। तो सेफ गार्ड को खूब गाली देता है, कहता है कि उसने मारा मेरे को, ये किया वो किया, और कहता है कि वो इंसान के भेज में राक्षस है वो। बट मेट कहती कि नहीं नहीं गार्ड तो बहुत अच्छा आदमी है, तो ये कहता कि नहीं वो अच्छा आदमी नहीं है और तुम उससे दूर रहा करो। ली फूजू किंग को लेकर छत पर आ गई होती है, ये बहुत डर रहा होता है छत पे आने में। इसे हिम्मत दिला कर ये इसका किंगडम ऊपर से दिखाती, जो कि रात को बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहा होता है, इन्होंने ऐसे कभी देखा नहीं था आज से पहले, और देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते। दो यहाँ पर काफ़ी देर तक मस्ती करते हैं, फिर ली फूजू आ जाती है अपने रूम में। यहाँ पर क्रीपी गाय इसके लिए चिकन लेकर आया होता, मतलब खाने का सामान बहुत सारा, और तभी यहाँ पर किंग भी आ जाते हैं ली फूजू के लिए खाना लेकर। देख रहे दोनों भाइयों को बहुत खातिरदारी कर रहे हैं उसकी, पर ली फूजू तो क्रीपी गाय के साथ भाई खाना ऑलरेडी खा रही होती है। तो किंग जब ये देखते हैं तो उनका दिमाग ख़राब हो जाता है कि मेरा छोटा भाई मेरी आइटम पर नज़र डाल रहा है, इस टाइप का कुछ गुस्सा आता है और ये खाना वापस लेकर चले जाते हैं। और अगले दिन फिर ली फूजू का पीरियड्स आने लग जाते हैं, तो ये खबर न जाने कैसे पूरे महल में कोई निकम्मा फैला देता है। तो अब राजा फिर इसके लिए एक सिंपल सी राइस बनाते हैं, मतलब बहुत सिंपल खाना होता है, और वो इसको खाने को दिया जाता है इस दिनों में। और इसके सामने खूब चिकन विकन की चीज़ें खा रहे होते हैं, टेस्टी टेस्टी और इसको चिढ़ा रहे होते हैं मतलब। और फिर थोड़े दिन बाद मंत्री का एक आदमी आता है और ली फूजू को उसके न्यू घर के लिए पूछता है कि हम चले, और ये कहती है चलो। ये एक बड़े से घर के सामने लेकर आता है, ली फूजू भाई इतनी खुश होती है इतना बड़ा घर देख के कि यार 16 साल की उम्र में इतना बड़ा घर मिल गया, अब क्या ही चाहिए मेरे को। पर अंदर जाती है तो देखती है कि बहुत सारे गार्ड्स होते हैं जो कि इस घर की रियल फैमिली को मार रहे होते, काट रहे होते, इसके आंखों के सामने खून खराबा फैला के रखा होता है। उसकी फैमिली को मारवाया पहले उस मंत्री ने, और ये घर अब ली फूजू को दे रहा है। देख रहा मतलब कितना बुरा किया है। जब ये बात किंग को पता चलती है तो वो अपने घोड़े पर भागते हुए यहाँ के लिए निकल जाते हैं, और घर में फैमिली का लास्ट मेंबर बचा होता है जो कि एक छोटा सा बच्चा होता है, गार्ड उस पर भी अटैक कर रहा होता है, और ली फूजू उस बच्चे को बचाने के लिए जाती है, पर उस बच्चे को इसकी आंखों के सामने काट देता है बहुत बेरहमी से, और यहाँ पर जो एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर किंग आ गए होते हैं और लाशों का ढेर देखकर ली फूजू इनको कहीं भी दिखाई नहीं दे रही होती है, वो काफ़ी ढूंढते हैं तो इनको मिल जाती है, वो बैठकर रो रही होती है। इसे लगता है कि इसकी वजह से ही इन सब को जो लोग थे उनको मारा गया, क्योंकि इसी ने घर के लिए बोला था। अब यहाँ पर हालांकि इसकी कोई गलती नहीं होती है, बट इसके लिए सब न्यू है खून खराबा, और यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए तो आम बात है क्योंकि पहले खून खराबा होता ही रहता था। किंग इसको समझाते कि देखो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो मंत्री है ही पागल, और मेरे पास जो भी आता है वो उसको मार देता है। एक बार इसने मेरे मास्टर को भी झूठा इल्ज़ाम लगाकर उनको फंसा कर और उनको मेरे सामने ही मार दिया था। ली फूजू कहती है तो क्या वो मुझे भी मार देंगे, पर किंग कहते कि नहीं मैं तुम्हें बचा लूँगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, और वापस ये सब राजमहल में आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो क्रीपी गाय आता है ली फूजू से मिलने के लिए। अब मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ये जो है वो क्रीपी नहीं है बिल्कुल भी, वो क्यूट है, तो हाँ अच्छा है, मतलब कोई वो नहीं है, बट हाँ ये है कि मतलब वो हंसता है तो भाई बड़ी खतरनाक दिखता है। ओके, तो ली फूजू की मेड इसको बताती है कि ली फूजू मंत्री के आदमी के साथ कहीं बाहर गई थी, पर जब से वो वापस आई है बड़ी बेचैन सी, परेशान सी, पता नहीं क्या देख लिया उसने। और यहाँ पर मंत्री दिखता है, और इसका इरादा भाई साहब ये था चेक करने का कि ली फूजू सच में एंजल है या नहीं हेवन की, और अगर वो है तो वो सबको वहाँ पर बचा सकते, पर उसने किसी को नहीं बचाया, तो इससे ये साबित होता है कि वो एंजल नहीं है। और भाई मंत्री खुश हो जाता है, कहता है कि इस राज्य के साथ साथ मैं अब हेवन पर भी कब्जा कर लूँगा, उस पर भी मेरा राज्य, और बहुत हंस रहा होता है, मतलब पागल है ये तो एक नंबर का। और यहाँ पर क्रीपी गाय आकर इसे बहुत सुनाता है, कहता है कि तुमने अच्छा नहीं किया ये वो उल्टा सीधा। मंत्री कहता है कि देख बेटा इस मामले से तो दूर रह वरना तुझे भी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्रीपी गाय कहता है कि देख लेंगे जा। और यहाँ पर ली फूजू के लिए किंग ने एक शाही आदेश दिया जो कि इसको कल पढ़ना होता है सबके सामने। किंग कहते हैं कि तुम इसको पढ़ लेना, इसमें मेरी और चेन की शादी की बातें लिखी हुई है। और ली फूजू कहती है कि यार मुझे तो आपकी लैंग्वेज आती नहीं तो मैं कैसे पढ़ूंगी। किंग कहते हैं कोई बात नहीं, कोई और पढ़ लेगा। ली फूजू कहती है कि ये मेरे नाम से है तो मेरे को पता होना चाहिए कि इसमें क्या लिखा है, क्या लिखा है। और ये आदेश होता है हेवन की एंजल की साइड से, तो इसमें लिखा गया है कि किंग और चेन दोनों का मिलना इस जन्म में इम्पॉसिबल है, दोनों मिलेंगे तो मतलब इनकी मैचिंग नहीं हो रही, मतलब एक तरह से ठीक है। अब ली फूजू कहती है कि नहीं नहीं
मंत्री उस पर गुस्सा हो जाएगा और वो मुझे पक्का मार देगा अगर ये मैंने बुलवा दिया, शादी तो टूट ही जानी है। अब लीफूजू फिर मेड को कहती है कि अगर मैंने ये पढ़ा तो मंत्री मुझे पक्का मार देगा, और रानी से अगर हेल्प मांगनी गई तो किंग गुस्सा हो जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि चेन एम्परर बने वरना वो पूरे राज्य को परेशान कर करके मार डालेगी। तो मतलब रास्ता को नजर नहीं आ रहा होता इसके पास कि क्या करे। यहाँ पर क्रीपी गाय को भी इस बारे में पता चल गया होता है, तो वो किंग से आकर बात करता है इस बारे में, कहता है कि उसे पढ़ने को मत बोलो वरना उसकी जान खतरे में आ सकती। किंग कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, तो क्रीपी गाय खुद लीफूजू से मिलने जाता है और कहता है चलो मेरे साथ भाग चलो, और दोनों मेड की ड्रेस पहनकर उसी रात भागने लग जाते हैं। अब क्रीपी गाय इन्हें लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ से महल के बाहर जाने का रास्ता होता है, यहाँ पर नीचे से निकलना होता है छोटे से छेद में से। लीफूजू का बैग फंस जाता है इसके अंदर और इसी बीच गार्ड्स आ जाते हैं। लीफूजू उन्हें घोस्ट बनकर डरा रही होती है, एक गार्ड तो यहीं बेहोश हो जाता है और दूसरा भाग जाता है और खबर फैल चुकी होती है। किंग का गार्ड किंग को आकर बताता है कि वो दोनों भाग गए हैं यहाँ से, क्या हमें उन्हें पकड़ना चाहिए। किंग कहते हैं कि नहीं भागने दो, कहाँ तक भागेंगे। किंग कहते हैं कि नहीं भाग जाने दो, और यहाँ से वो सर्वेंट जो भाग कर गया था वो अपने साथियों को लेकर आता है, इनके पीछे पड़ जाता है। इन्हें लगता है कि लोग महल में चोरी करने आए थे, पर गार्ड इनको भागते पहचान लेते हैं और वापस से पकड़ के महल में ले आते, कुछ होता नहीं है। और अगले दिन उस नोट को पढ़ा जाता है जिसमें सब कुछ बदल गया होता है। इसमें लिखा है कि किंग और चेन की कुंडली मतलब मिलती है, इनकी शादी हो जाएगी, मतलब तरक्की तरक्की होगी, मतलब ऐसा कुछ बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल 36 गुण मिल रहे होते हैं, ऐसा कुछ होता ना वो। तो लीफूजू सुन के चौंक जाती है कि यार कल तो इसकी बिल्कुल अपोजिट बात लिखी हुई थी। और फिर रानी जो होती है वो लीफूजू और चेन को दोनों को बुलाती है अपने पास और चेन को कहती है कि देखो अब तुम एम्परर बनने वाली हो, मतलब इस पूरे किंगडम की जो मेन लेडी होती है ना वो। तो कहती है कि तुम्हें बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएंगी तुम्हारे सर के ऊपर। और अब चेन भाई जैसे ही सुनती है ना ये कि मतलब बनने वाली हूँ, पगला जाती है, पागल तो पहले से ही है वो। तो ये लीफूजू पर हुक्म चलाने लग जाती है, इसकी जो मेड होती है वो लीफूजू की मेड को चाटा मार देती है, मतलब बदतमीजी कर रही होती है दोनों एक नंबर की, और हमेशा चाटा मारती रहती है उसको खामखा। लीफूजू रुकती नहीं है भाई, ये चेन की मेड को भी खींच के जड़ देती है, कहती तूने मेरी बेस्ट फ्रेंड को मारा कैसे। चेन कहती है कि अब लगता है कि तुम्हें पनिशमेंट दूंगी मैं, पर लीफूजू कहती है कि मुझे पनिशमेंट दोगी तुम तो तुम्हारा सीक्रेट मैं सबको बता दूंगी। चेन कहती है कि प्रूफ क्या है तुम्हारे पास। और यहाँ से चेन की मेड किचन में आती है और सबसे बदतमीजी से बात करती है और कहती है कि चेन एम्परर के लिए बढ़िया सा खाना बना कर लाओ। सेफ आते हैं, कहते कि देखो तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, हम बस लोर्ड की बात मानते हैं। और सेफ साफ मना कर देते हैं कि मैं एम्परर को जानता ही नहीं, कोई है ही नहीं एम्परर यहाँ पे। चेन की मेड कहती है कि देखो नेक्स्ट महीने चेन एम्परर बनने वाली है किंग से शादी होने के बाद। तो सेफ कहता है कि जा फिर अगले महीने आना तू बनवाने, भाग यहाँ से। पर मेड हो जाती है गुस्सा, उसका ईगो हट हो जाता है इस बात पे, और इतने में एक स्टाफ आता है दूसरा वाला जो होता है सेफ का, और वो इस पर पानी डाल देता है, सब इस पर हंसते हैं सारे जितने भी होते हैं यहाँ पर सेफ। और ये मेड आकर जल्दी से चेन को बताती है, कहती है कि मेरी बेइज्जती हुई मतलब आपकी बेइज्जती की उन लोगों ने, और उनको जाकर सबक सिखाओ। चेन इसे खींच के लाफा देती है, कहती तू बताएगी मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना। और मतलब यार सब के सब पागल मेरे को लगते हैं एकदम। यहाँ पर लीफूजू मेड और शेफ बातें कर रहे होते हैं, शेफ बताते हैं कि चेन और उसकी मेड बहुत ज़्यादा बदतमीजी कर रही थी तो उनको सबक सिखाना भी जरूरी था। लीफूजू फिर सेफ को भी अपने फ्रेंड सर्कल यानी फ्रेंड ग्रुप में ऐड कर लेती है, ओके। और अगले दिन ही खबर आती है कि सभी सेफ को सजा दी जा रही होती है। यहाँ पर सब आते हैं, सेफ कहते हैं कि तुम अभी एम्परर नहीं बनी हो तो तुम मेरे जितने भी लोग हैं किचन में काम करने वाले उनको सजा नहीं दे सकती हो। तो चेन कहती है कि मेरे खाने में कीड़ा मिला है तो मुझे सजा देनी पड़ेगी और मैं इनको पनिश कर रही हूँ, और एक्चुअल में तो बदला ले रही होती है ये, और कहती है कि शुक्र मनाओ आज कीड़ा मिला, अगर मुझे किसी दिन जहर मिल गया तो मैं तुम सबको मरवा दूंगी। सेफ इन सब का दर्द नहीं देख पा रहे होते तो कहते हैं कि ये सब मैंने किया है, अपने पर इल्जाम लेते हैं। चेन इसको 800 कोड़े मारने की सजा देती है, लीफूजू जब रोकने जाती है तो ये 10 कोड़े और बढ़ा देती है और कहती है कि जब तक तू बोलेगी जब तक कोड़े बढ़ते रहेंगे, और कहती है कि देख अगर किंग को बताया ये सब तो खाने में कल जहर मिला दूंगी मैं अपने, और इन सब पे इल्जाम लगाऊंगी और इन सबको फांसी पे लटकवा दूंगी, मतलब ऐसा चल रहा होता है इसको कुछ। चेन को भाई कोड़े मार मार के इतना पीटा होता है लोगों ने, उनका मुंह से ब्लड आने लग जाता है। तब यहाँ पर क्रीपी गाय आ जाता है और ये सब कुछ रुकवाता है, सेफ को अंदर लाते हैं और यहीं पर मेड आती है। सेफ इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है, मतलब बहुत पसंद, पर मेड जो होती है वो उस किंग के गार्ड को पसंद करती है और किंग के गार्ड से कितना चिढ़ता है सेफ ये तो हमें पता ही है। और ये उसको रात को रुमाल देने जाती है, रुमाल देने का मतलब होता है मतलब मैं तुमको पसंद करता हूँ करती हूँ इस टाइप का कुछ। और रुमाल देकर जाने लगती है तो वहीं पर एक मेड से टकरा जाती है ये, जिसके पास एक अजीब तरह का कपड़ा होता है। और ये कपड़े को देखकर मेड को याद आता है कि जो चोर उस रात फिंगरप्रिंट लेने घुसा था जिसके बारे में लीफूजू ने बताया था उसने भी सेम ऐसे ही कपड़े पहने थे। और ये उस मेड का पीछा करती है और वो मेड जाकर चेन के रूम में घुस जाती है, और उसके जाने के बाद लीफूजू की मेड उस
रूम में जाती है, जाके उस कपड़े को उठाकर देख ही रही होती है, और इतने में कोई उसके पीछे आ जाता है और ये मुड़ के देख के चौंक जाती है उसको, और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। और एपिसोड की शुरुआत में हम लीफूजू की मेड को देखते हैं जो कि भाग रही होती है, काफ़ी घायल है, क्योंकि पिछले एपिसोड में ये चेन के रूम में गई थी जैसे कि आपको याद होगा। तो यहाँ से भागती हुई सीधी चली जाती है लीफूजू के रूम में, और यहाँ पर लीफूजू इसको देख, इससे पहले कोई आकर इसको पकड़ कर लेकर चला जाता है। लीफूजू इसकी आवाज़ नहीं सुन पाती क्योंकि वो गाना सुन रही होती है। अब यहाँ पर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आएगा कि वो गाना कैसे सुन सकते हैं, उसका फ़ोन तो बंद हो गया था कुछ एपिसोड्स पहले, तो ये आईपॉड होता है उसमें सुन रही होती है। अगले दिन लीफूजू मेड को खोजने लग जाती है क्योंकि वो काफ़ी देर से दिखी नहीं है, तो उसका फिक्र होने लग जाती है। बाकी सब भी यहीं पर आगे होते हैं, तो लीफूजू इनसे बताती है कि वो दिखी नहीं, किसी को मिली थी क्या? सेफ कहता है कि मैंने लास्ट टाइम उसके मुँह से गार्ड का नाम सुना था, वो गार्ड की बातें कर रही थी, उसी ने मेरी वाइफ को रखा होगा। वाइफ? और लीफूजू कहती है कि नहीं, गार्ड उसे क्यों रखेगा। सेफ कहता है कि वो इंसान के भेष में राक्षस है बहुत बड़ा। लीफूजू कहती है कि भाई खोजो जाके मेड को लाओ आओ। लीफूजू भाई गार्ड से मिलती है, गार्ड कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ है वो, मेरे को उसने रुमाल दिया था कल रात को, उसके बाद गायब हो गई, तो मेरे को नहीं पता। लीफूजू भाई बहुत परेशान है, और किंग देख रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि यार तुम इतनी परेशान हो, गार्ड से कहते कि जा अपने ढूंढ के ला उसको जा। लीफूजू पूरे महल में भाई खोजती है, मेड को देखा, ये करा वो करा। क्वीन भी इसको देख रही होती है और सोच रही होती है कि पगला गई तो नहीं गई है, मतलब क्या हो गया इसको। और अब किंग इसे परेशान देखकर इतना कहते कि यार तुम काम करने वाली सर्वेंट के लिए इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो। लीफूजू कहती है कि वो मेड नहीं है बल्कि मेरी बहन है, और हम हमेशा साथ में सुसु करने जाते थे, बेस्ट फ्रेंड हमेशा साथ में सुसु करने जाते हैं। देखो इसके लिए कुछ नियम कुछ कानून बनाए गए होते, हाथ पकड़कर साथ में सुसु करने जाना होता है, अगर सामने वाले बगल वाले दोस्त को नहीं भी आई है तो भी दोनों को जाना ही पड़ेगा। ओके, तो ऐसा कुछ रूल होता है। तो लीफूजू के मतलब पैर में यहाँ पर दर्द होने लगता है, तो किंग इसको उठाकर लेकर चले जाते हैं। यहाँ सेफ भाई अपना किचन गैंग लेकर पहुँच गए होते गार्ड को मारने के लिए, और कहते कि मेरी वाइफ मुझे वापस दे दे गार्ड, वरना छोड़ूंगा नहीं तेरे को। ये कहता है कि मुझे ढूंढ रहे भाई, रुक तो जा। और सेफ का भाई दिमाग खराब हो गया होता है, कहते कि देख गार्ड तूने उसके साथ कुछ गलत किया है और फिर तूने उसको छुपा दिया कहीं पर। बस फिर कहता गार्ड पर अटैक करने जाता है, पर बाकी के सेफ इसको रोकने लग जाते हैं, और ये रोक ही रहे होते हैं कि इतने में बाकी के जो गार्ड के गार्ड होते हैं वो मजाक बनाने लग जाते हैं इनका, भाई खाना बनाने वाले हो तुम, लड़ोगे? और बाकी सेफ को आ जाता गुस्सा, और भाई डर हो जाती है मस्त लड़ाई, बिल्कुल दोनों टीमों के बीच भिड़ जाते हैं। किंग आ जाते हैं यहीं पर और फिर इनको ऐसी हरकत के लिए पनिश करना चाहते हैं, बट अभी तो नहीं, पर हाँ अभी के लिए इनको एक छोटी पनिशमेंट दी जाती है, दोनों को घुटने पर 4 घंटे तक ऐसे ही बैठकर रहना होगा। और किंग के जाते ही दोनों फिर लड़ जाते हैं। यहाँ पर लीफूजू रात को प्लान बना रही होती है, सेफ और क्रीपी गाय भी यहीं पर होते हैं, बहुत से गोल्ड और सिल्वर मंगाती है और अगले दिन सभी सर्वेंट्स को बुलाती है और कहती है कि जो भी बताएगा मेड के बारे में मैं उसे ये दूंगी। सब कुछ न कुछ छोटी छोटी डिटेल बताकर जा रहे होते हैं, गोल्ड लेकर सिल्वर लेकर। तभी एक मेड आती है, भाई बहुत इनोसेंट होती है, ये बताती है पर झूठ बोल रही होती है, ये तो लीफूजू उसको पकड़ लेती है। मेड काफ़ी इनोसेंट होती है तो रोने लग जाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता, मैंने पहली बार जिंदगी में झूठ बोला था, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अच्छे से झूठ बोलना नहीं आता है। तो क्रीपी गाय को इस पर मतलब थोड़ा दया वया आ जाती है, तो इसको एक सिल्वर देकर कहता है जाओ 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 यहाँ से। और इसी दौरान किंग दूर खड़े अपने भाई को लीफूजू के साथ देख रहे होते, गुस्सा हो रहे होते कि मेरी आइटम तो ले गया भाई ये। और किंग रात को बैठे लीफूजू की बातें सोच रहे होते, तभी इनको याद आता है कि अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ सुसू करने जाने से दोस्ती में निखार आता है। तो किंग का भाई फ्रेंड गाड़ी है ना एक, तो उसे लेकर ये सुसु करने चल देते हैं। जब ये सुसु वाली लोकेशन पर पहुंचते हैं और सुसु करने वाले होते हैं, पर इनको दिखता है कि नीचे मेड पड़ी हुई है जो कि भाई मर चुकी होती है। अब लीफूजू ये खबर सुनकर सदमे में चली जाती है, सदमे से बाहर आती है, इसकी बॉडी के पास आती है, इसको बहुत ज़्यादा हिलाती है, उठाने की कोशिश करती है, पर कोई फायदा नहीं हो रहा होता। डॉक्टर आते चेक कराया जाता है तो पता चलता है कि नहीं 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 मरी नहीं है, वो जिंदा है, बट हाँ कब उठेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, एक तरह से मतलब कोमा में चली गई होती है। अब लीफूजू डॉक्टर पर चिल्लाने लग जाती है कि उठाओ इसको, तुम डॉक्टर हो। और किंग भाई अभी भी हैरान परेशान है, भाई इसको हुआ क्या है, एक सर्वेंट के लिए इतनी परेशान क्यों हो रही है ये। तो किंग गुस्से में कहते हैं कि देखो जिसने भी ये किया है ना इसके साथ, उसको ढूंढो जाकर अपने गार्ड से और उसको हम पनिश करेंगे। लीफूजू कहती है कि चाहे कोई भी हो उसको सजा मैं दूंगी, चाहे कोई भी होगा हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो किंग इस बात के लिए मान जाते हैं और लीफूजू अब अपनी फ्रेंड के यहाँ सेवा करने लग जाती है। क्रीपी गाय कहता है कि भैया अब जाकर आराम कर लो, मैं परी के साथ यहीं पर रहूंगा। किंग भाई बेचैन हो जाते कि बेटा तुझे तो नहीं रुकने दूंगा मैं यहाँ पे, और कहते हैं कि जाके ना सूप बना सेफ के साथ, भाग यहाँ से, मुझे मत बता क्या करना है। और भाई साहब क्रीपी गाय कहता है कि भैया मुझे तो कुकिंग करनी आती नहीं है। किंग कहते हैं कि तू जाओ मम्मी के पास जाके सो जाओ फिर जाके। क्रीपी गाय कहता है कि वो तो सो गई होंगी, उनको क्यों जगाऊं मैं जाकर। किंग एंड में कहते हैं कि चलो हम ना चेस खेलते, दोनों चेस खेलने लग जाते हैं। तो भाई किंग को नींद आने लग जाती है, सोने लगते हैं बैठे बैठे। क्रीपी गाय कहता है कि भैया आपको तो नींद आ रही है, आप जाकर सो जाओ।
किंग भाई अपने गार्ड को बुलाते हैं और कहते हैं कि उठा इसको और इसको रूम तक लेकर जा। क्रीपी गाय कहता है कि मैं तो खुद जा सकता हूँ। किंग कहते हैं कि जो मेड के साथ हुआ वो तेरे साथ भी हो जाएगा, तो जा गार्ड के साथ रूम में। पर भाई क्रीपी गाय जब बाहर निकलता है तो ये कच्चा खिलाड़ी नहीं है ये, इसको सब पता है कि मेरा भाई मेरे साथ ये सब क्यों कर रहे होते हैं उनको, मतलब लीफूजू की वजह से। और फिर यहाँ से भगा कर किंग चुपके से लीफूजू के रूम में पहुँच जाते हैं और इसके ऊपर चादर वादर डाल रहे होते। इसी दौरान लीफूजू की आंखें खुलती है और कहती है कि यहाँ पर क्या कर रहे हो तुम। किंग कहते हैं कि मैं टेबल लेने आया था। लीफूजू कहती है अजीब पागल आदमी है। अगले दिन सैफ किचन में एक बॉक्स में से कुछ निकाल रहे होते, बाकी के इनको जो मेंबर्स होते उनको रोक रहे कि नहीं ऐसा मत करो। पर ये बॉक्स नॉर्मल बॉक्स नहीं होता, ये काफ़ी शाही बॉक्स होता है क्योंकि इसके अंदर एक जड़ी बूटी रखी गई होती है जान बचाने की। और इस जड़ी बूटी को रखा गया इमरजेंसी में, अगर रानी को कुछ प्रॉब्लम हो ना फ्यूचर में तो उनके लिए। बट पर जो सेफ है ये रानी की जो मेडिसिन है जड़ी बूटी की वो मेड को देने वाला होता है, सूप बनाता है उसमें डालता है जड़ी बूटी। और यह गार्ड दवाई लेकर आया होता जो कि किंग ने भिजवाई है। लीफूजू दवाइयाँ रखवाती है और फिर पानी लेने चली जाती है और गार्ड फिर मेड को देखने लग जाता है और हमें यहाँ समझ आ जाता है कि ये भी इसको पसंद तो करता है। और फिर अपना रुमाल निकालता है जिसने लास्ट नाइट को इसको दिया था और फिर जाता है उसको पोछने के लिए। तो अभी अवश्य आ जाता है और कहता है भाग यहाँ से, क्या कर रहे हैं यहाँ पर। और रुमाल देख लेता है इसके हाथ में, कहता है कि जानवर ही तो मेरा रुमाल है। फिर लड़ाई शुरू हो जाती है। गार्ड कहता है कि मैं इसको पसंद करता हूँ। वो सुन के भाई सैफ के तो उस चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती है। गार्ड यहाँ से चला जाता है पर सैफ इसे सूप पिलाता है, रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है और कहता है कि मैंने एक न्यू डिश बनाई है, जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं तुम्हें वो खिलाऊंगा। राजा रानी से पहले मैं वो तुमको खिलाना चाहता हूँ, तो तुम जल्दी ठीक हो जाओ। और यहाँ किंग भी बहुत खुश हो गए होते क्योंकि खबर आई है कि नदी मिल गई है एक राज्य के अगल बगल कहीं पर। अब मेड को होश आ भी जाता है काफ़ी जल्दी और लीफूजू कहती है किसने किया था ये। मेड बता देती है कि चेन ने किया था। तो लीफूजू गुस्से में जाकर चेन को खींच के लाफा देती है क्योंकि चेन की जवान बहुत ज़्यादा चलती है ना, तो दोनों बिल्लियों की तरह लड़ने लग जाती है, दोनों लड़ती है बहुत बुरी तरह। लीफूजू को उठा कर भाई किंग के पास लाया जाता है। इसकी हालत बड़ी बेकार हो गई होती बेचारी की। और किंग कहते हैं कि नदी मिल गई है, चलो उसको नहर वहर बना के यहाँ लेकर आओ किंगडम तक ताकि हम शुद्ध पानी पिला सके लोगों को। पर लीफूजू कहते हैं मुझे चेन को सबक सिखाना, छोड़ दो मुझे। किंग कहते हैं कि पहले गाँव में पानी लेकर आओ फिर ये सब करती रहना। पर किंग इसे नहर के बारे में पूछ ही जा रहे होते बार बार, तो लीफूजू को एक अपनी टीचर की बात याद आती है कि नहर कैसे बनाई जाती है। यहाँ पर मंत्री दो लोगों के साथ बैठकर लीफूजू की बातें कर रहा होता, तभी यहाँ चेन आ जाती है। इसका मेकअप, इसके बाल, इसके कपड़े सब खराब हो गए होते तो समझ जाते लोग देख कर कि लफड़ा करके आई है कुछ ना कुछ। चेन लीफूजू का नाम लेती है, पर जैसे छोटे बच्चों को मार दो बचपन में तो मम्मी के पास जाके जैसे उन्हें नाम लेती कि उसने मारा ऐसे करके, तो यहाँ पर ऐसी कर रही होती है अपने पिता के सामने। तो इसके पिताजी कहते हैं कि देखो यार तुम्हें मैंने वहाँ पर राजा का दिल जीतने के लिए भेजा था ना कि उससे लड़ाई करने के लिए लड़की से। तो चेन इसे कहती है कि मुझे पहले उसने परेशान किया फिर मैंने उसको मारा, और मतलब बच्चों की तरह बोल रही होती है यहाँ पर। इसका दिमाग भाई बिल्कुल बच्चे से सही होता है। और यहाँ अगले दिन मंत्री लीफूजू को बहुत सी ज्वेलरी भिजवा देते हैं। लीफूजू सोचती है कि ये किस लिए भेजा होगा। इसलिए भेजा होगा क्योंकि मैंने कल चेन से लड़ाई की, तो हो सकता है वो हमारे बीच लड़ाई को सोल्व करना चाहते हो महंगे महंगे सामान देकर। मेड कहती है कि देखो मुझे तो उस बुड्ढे पे शक है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेगा। तब यहाँ पर शेफ आ जाता है सूप लेकर। लीफूजू सारी ज्वेलरी शेफ को और मेड को कहती है ले लेना आदि आदि। पर यहाँ पर शेफ कहता है कि मेड को सारी दे दो क्योंकि शादी के बाद तो हम एक हो जाएंगे ना। आए हाय, पर यहाँ पे भाई प्यार से फूक फूक के सूप पिला रहा होता उसको। लीफूजू देख रही होती है कि क्या है और चली जाती है यहाँ से। और यहाँ पर चेन को देखते हो भाई बहुत गुस्सा होती है, ये गुस्से में अपनी मेड को मार रही है, लात मुक्के घूसा सब उतार रही है उस पर, इतनी बदतमीज किस्म की औरत है ये, क्या ही बोलो इसको। और एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता। ओके, तो वीडियो की शुरुआत में दिखाया जाता है लीफूजू को जिसको बांध के रखा होता है चेन ने और पनिशमेंट देने वाली होती है। और यहीं पर किंग आ जाते हैं और किंग भी चेन के साथ मिले हुए हैं। लीफूजू का ये देख के दिल टूट जाता है, कहती है राजा से कि आपने कहा था आप मेरा ख्याल रखोगे और आप उसके साथ मिलकर मुझे पनिश कर रहे हो। और तभी चेन की मेड आकर लीफूजू के मुंह पे कपड़ा डालती है और फिर लीफूजू की आंखें खुल जाती है, एक्चुअल में सपना देख रही थी। ओके, अब यहाँ पर चेन की मेड आकर कहती है कि चलो चेन ने तुम्हें खाने पर बुलाया। लीफूजू मना करती है तो चेन की मेड कहती है कि गार्ड को भेज देगी अगर नहीं चलोगी तो। लीफूजू डर के चली जाती है। यहाँ पर चेन ने इसके लिए काफी टेस्टी टेस्टी खाना बनवाया होता है, पर लीफूजू सोच रही होती है कि इसमें पक्का इन्हें जहर मिलाया होगा। लीफूजू खाती नहीं है तो चेन इसको खा के दिखाती है, कहती है जहर नहीं है इसके अंदर। तो लीफूजू खाना उठाने के बहाने से पत्ता उठाती है जिस पे खाना रखा होता है, उसको खाती है और तारीफ करने लग जाती है, बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है। चेन को भाई गुस्सा आ रहा होता है इसके ऊपर, वो इसको ड्रिंक देती है। लीफूजू कहती है कि मेरे टीचर ने हमें स्मोक और ड्रिंक करने से मना किया है। और चेन यहाँ पर ड्रिंक को पी जाती है एकदम से और लीफूजू को भी कहती है पी। लीफूजू जब पीने वाली होती है तभी चेन बेहोश हो जाती है
और मेड आकर कहती कि तुमने चेन को पॉइजन दे दिया, तुमने चेन को पॉइजन दे दिया। अब लीफुजू समझ गई होती है कि ये सब चेन की प्लानिंग थी मुझे फंसाने के लिए। लीफुजू किंग से लाख मिन्नतें करती कि मैंने कुछ नहीं किया। किंग कहते कि हाँ मेरे को पता है तुमने कुछ नहीं किया, पर कौन मानेगा तुम्हारी। लीफुजू कहती कि तुम मानोगे। ये कहते मेरे मानने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये कहती कि मैंने ड्रीम देखा था तुम्हारा, तुम उसमें भी चेन की साइड थे और अभी रियल में भी चेन की साइड ही हो रहे हो। तभी मंत्री आ जाता है और कहता है किंग से कि इसको पनिश करो, इसने मेरी बेटी को पॉइजन दिया। किंग कहते कि हाँ जरूर सजा तो मिलेगी, और लीफुजू मना कर रही होती कि मैंने कुछ नहीं किया। किंग अपने गार्ड को बोलकर इसको जेल में डलवा देते। लीफुजू चौंक जाती है कि किंग ऐसा कैसे कर सकते। लीफुजू अब जेल में आ गई होती है, क्रीपी का इसको खाना बना बना के खिला रहा होता है। कल ये बोल रहा था अपने भैया से कि मेरे को कुकिंग नहीं आती है। लीफुजू सोच रही होती है कि किंग को चेन से प्यार हो गया, तभी ऐसा कर रहा है। यहाँ पर सेफ अपने सभी मेंबर से कह रहा होता है कि चेन के खाने में पवित्र जल डाल दो, और सभी खाने में थूकने लग जाते हैं। और लीफुजू की मेडी देख लेती है, कहती तुम ये लोग उसके खाने में थूक क्यों रहे। सेफ कहता है कि उसकी पनिशमेंट है क्योंकि उसने परी को परेशान किया है। यहाँ से मेड और फिर से अब दोनों लीफुजू के लिए खाना लेकर जाने लग जाते हैं। मेड कहती है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ, तुम्हें नहीं। आप मुझे अपनी बहन बुलाया करो, और इसे भाई बोल देती है। यहाँ पर यार क्या बोल दिया, मतलब यार इसको मेरे को बुरा फील होने लग गया। सोचो इसको कितना हो रहा होगा। भाई सेफ रोते हुए यहाँ से चला जाता है यार, और रास्ते में उसको गार्ड मिलता है और इसको गुस्से में देख रहा होता है सेफ, और कहता है कि मेरी बहन को अच्छे से रखना वरना परेशान किया तो बहुत मारूंगा। अब गार्ड ये सोच रहा होता है कि इसको क्या हो गया, तो गार्ड का जो गार्ड होता है वो कहता है लगता है आज फिर से पागल हो गया ये। और यहाँ रात होने पर किंग लीफुजू के लिए फिक्र में हो रहे होते, तो गार्ड की ड्रेस पहनकर जेल में चले जाते। लीफुजू इसे बहुत बदतमीजी से बात करती है और जाने को बोल देती। किंग कहते हैं कि तुम रूड हो बहुत। ये कहती है हाँ मैं बचपन से रूड हूँ, और बार बार चेन का नाम ले रही होती है। कहते तुम उससे प्यार करते हो, चेन 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 कर रही होती है। तो किंग इसका मुंह बंद करने आते, तभी किंग को खबर आती है कि आ रही है यहाँ पर चेन मिलने के लिए। और फिर लीफुजू कहती है कि देखो आ गई ना तुम्हारी जाने मन यहाँ पर, क्योंकि तुम उसके बिना और तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती है। और फिर मतलब किंग को आ जाता है गुस्सा इतनी बकवास सुनने के बाद, और वो इसका मुंह बंद करके कहती है कि अगर उसने मेरे को यहाँ देख लिया तो तुम पे और भी ज़्यादा इल्ज़ाम लगवा देगी वो। तो फिर जल्दी से किंग को यहीं पर घास फूस में छुपा दिया जाता है। चेन यहाँ आती है और लीफुजू कहती है कि यहाँ क्यों आई हो तुम। चेन कहती है कि मैंने अपने खाने में पॉइजन नहीं मिलाया था। चेन कहती है कि मैंने अपने ड्रिंक में पॉइजन नहीं मिलाया था, और मैंने गार्डन में आग भी नहीं लगाई थी, और ना ही मेड को मैंने मारा था। कोई और है जो ये सारी चीज़ें कर रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है और तुम्हें फंसाने की। लीफुजू कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, ये जाके किंग को बताओ, मेरे को नहीं। ये कहती है कि अगर आज मैं पॉइजन से मर जाती तो सारे इल्ज़ाम तुम पे आ जाता, और जो रियल वाला क्रिमिनल है वो मुझे मारने फिर से आएगा, तो तुम मेरे साथ मिल जाओ, हम उसको पकड़ लेंगे और तुम भी बच जाओगी और मैं भी। लीफुजू सोच रही होती है कि यार कैसी बातें कर रही, भरोसा नहीं हो रहा इसको बिल्कुल भी इसके ऊपर। चेन कसम वसम खाने लग जाती है, अपनी पूरे फैमिली खानदान की कसम खा जाती है यहाँ पर ये। लीफुजू फिर उस पर भरोसा कर लेती है, और चेन के जाने के बाद किंग को चेक करती है तो वो गंदी बदबू की वजह से जेल की बेहोश हो गए होते। अगले दिन मेड चेन को दवाई देने आती है, तो चेन दवाई इसे ही पिला देती है, और मेड यहाँ से भागकर बाहर जाती है और बाहर आकर एक दवाई खाती है। एक्चुअल में ये जहर को काटने की दवाई होती है। ओके, तो मतलब इस मेड ने चेन की दवाई के अंदर जहर मिला के दिया था उसको। यहीं पर लीफुजू आगे इसको रंगे हाथों पकड़ लेती है, और चेन भी आ जाती है, और मेड अब फंस चुकी होती है बुरी तरह से। मेड कहती है कि मैंने इतने साल तक आपकी सेवा की, आप मुझे रोज मारती हो, घसीटती रहती हो, बेइज्जती करती हो, तब भी मैं सच्चे दिल से सेवा करती हूँ, और धमकी देती है कि तुम सब मरोगे, और चाकू निकाल कर लीफुजू के पेट में मारने वाली होती है। तभी किंग को लग जाती है चाकू, क्योंकि वो बीच में आ जाते हैं, और गार्ड जल्दी से मेड का गला काट देता है और वो मर जाती है वहाँ पर। जल्दी से डॉक्टर को बुलाया जाता है। किंग की हालत बहुत ख़राब है। रानी डॉक्टर पर गुस्सा हो रही, चिल्ला रही है, धमका रही है कि ठीक करो वरना मैं तुम सबके गर्दन को उड़वा दूंगी। तभी लीफुजू को याद आता है कि इसके मॉनिटर ने इसको एक दवाई दी थी जो इसके बैग में रखी हुई है, तो अपने बैग से ये दवाई निकाल कर लाती है, रानी को दिखाती है, क्या ये खिला दूँ राजा को, और रानी ले जाकर डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर कहता है भाई ये क्या है, हमने नहीं देखी ऐसी दवाई आज से पहले, मत खिलाना इसको। तो रानी मना कर देती है। लीफुजू बहुत कोशिश करती है दवाई खिलाने की, पर कोई फायदा नहीं होता है। यहीं पर गार्ड को भी पनिशमेंट मिली हुई होती है क्योंकि वो किंग के साथ था, फिर भी किंग घायल हो गए। और मेड आकर इसे खाना देती है, ये खाना खाने से मना करता है, तो इसके सर के ऊपर अम्ब्रेला लेकर खड़ी हो जाती है। हाय सच्चा प्यार। और यहीं पर सेफ आ जाता है और कहता है कि ये काम मैं कर लूंगा, आप जाकर ड्रीम इलेवन पर टीम बना लूँ। मतलब इसको यहाँ से जाने को कहता है, ये नहीं जाती है, तो इसके सर पे अम्ब्रेला लेके ही खड़ा हो जाता है।
तीनों अजीब तरीके से यहाँ पे होते हैं। रात होने पर क्रीपी गाय गार्ड का ध्यान भटकाता है और इतने में ली फुजू किंग के रूम में घुस जाती है। किंग को दवाई खिला भी देती है, तभी यहाँ रानी आ जाती है। तो ली फुजू किंग के बेड में ही छुप जाती है। रानी अपने बेटे से बातें करते कुछ इमोशनल थी और यहीं पर इसको ये भी पता चल जाता है ली फुजू को कि किंग ने इसको जेल में इसीलिए डलवाया था ताकि इसकी जान बच सके। अब अगली सुबह किंग की हेल्थ में सुधार आती है और इनको पता चलता है कि बहुत खुश होते हैं। रानी सोचती है डॉक्टरों ने करा है, तो वो डॉक्टर को उपहार दे रही होती है, बहुत सारे गिफ्ट विफ्ट। इनको क्या पता कि तो ली फुजू की वजह से हो रहा है। यहाँ चेन का एक पास्ट हमें दिखाया जाता है जहाँ चेन अपनी मेड पर झूठा झूठा इल्जाम लगा रही होती है कि तूने गार्डन में आग लगाया था। मेड बहुत रो रही होती है, कहती है कि मैंने नहीं किया। तो चेन कहती है कि तुम्हें मेरे लिए अपनी कुर्बानी देनी होगी। मेड कहती है कि मुझे जिंदा छोड़ दो, प्लीज़ मुझे मत मारो, मेरे माँ बाप और भाई बहन है, उनका क्या होगा, उनको मैं पालती हूँ। चेन कहती है कि तुम मर जाओ मेरे लिए, मैं उनका ख्याल रखूँगी और तुम्हारे भाई को बड़े हो जाने के बाद ऑफिसर बना दूंगी। और यहाँ हमें पता चल जाता है कि मेड को एक तरह से इसने बलि दे के मरवाया था वहाँ पर, उसको बेवकूफ़ बना के, उसकी कोई गलती नहीं थी वहाँ पर। अब यहाँ प्रेजेंट में चेन की मेड मर गई होती है तो इसके लिए एक न्यू मेड आई है। यहाँ से चेन उठकर किंग के पास जाती है और ली फुजू को यहाँ से भेज देती है। और किंग उठते हैं तो देखते हैं चेन को, चेन ऐसा रिएक्ट करती है यहाँ पर जैसे वो दिन रात सुबह शाम किंग के पैरों में पड़ी हुई थी। और अगले दिन किंग बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, पर नहर का काम रुक गया होता है क्योंकि नहर के रास्ते में एक बहुत बड़ी चट्टान आ रही होती है। ली फुजू भी परेशान है काफ़ी, और इन्हें ये भी पता चलता है कि किंगडम में मंत्री ने जो फूड सप्लाई होता है आने का उसको बंद कर दिया है। अब किंगडम में फूड तो बिल्कुल ही कम बचा हुआ, स्टॉक है ही नहीं, तो इनके मरने की हालत होने वाले हैं थोड़े दिनों में। और चेन यहाँ पर आकर रानी से उस जड़ी बूटी की बात करने लग जाती है। रानी कहती है कि तुम्हें चाहिए वो, और चेन कहती है कि मुझे पता चला है कि सेफ ने उसको यूज़ कर लिया था एक मेड के ऊपर। अब ये सुन के भाई रानी गुस्सा हो जाती है कि मेरे सामान को, मेरी जड़ी बूटी को मेड पे यूज़ किया गया। और यहाँ ली फुजू के पास मेड भागती हुई जाती है, बताती है सेफ को रानी ने मौत की सज़ा सुना दी है। ली फुजू रानी से आकर सब कुछ बताती है, कहती है कि ये सब मैंने किया, मेरी वजह से हुआ। बट रानी कहती है कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, वो सेफ ऑलरेडी अपना गुनाह कबूल कर चुका है, तुम जाकर नहर बनाओ, इन सब चीज़ों में मत लगो। अब यहाँ पर रानी भी ली फुजू पर बहुत गुस्सा हो रही होती है क्योंकि ली फुजू की वजह से किंग की जान खतरे में आ गई थी। यहाँ क्रीपी गाय मंत्री से मिलने गया होता है क्योंकि मंत्री ने इसको बुलाया है, तो मंत्री इसकी खूब बेइज्जती करता दबा दबा कि क्रीपी गाय कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मंत्री के पास फूड के सप्लाई है, उसको बंद कर रखा है, तो इसको इन लोगों को मतलब बेइज्जती थोड़ी सहनी पड़ती है। यहाँ किंग चेन से मिलकर कहता है कि फूड सप्लाई चालू करवा दो अपने पापा से बोलकर, और रानी को जाकर मना लो कि सेफ को सजा ना दे मौत की। अब किंग को क्या पता कि इसी नागिन ने ही सेफ को मौत की सजा देने को बोला है उनसे। और बाहर खड़ी ली फुजू सब सुन रही होती है। और यहीं से फिर हम सेफ को देखते हैं जिन्हें मारने लेकर जाया जा रहा होता है। यहीं से हमें पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर ली फुजू और मेड सेफ से मिलने आई थी। यहीं पर मेड रो रही थी क्योंकि इसी की वजह से सेफ को मौत की सजा मिली, क्योंकि इसी ने उस जड़ी बूटी को खाया था। और सेफ भी ली फुजू से कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताते हैं, बट वो क्या बताते हैं वो हमें इस एपिसोड में पता नहीं चलता है, वो हमें आगे बताया जाता है। यहाँ प्रेजेंट में सब दुखी हो रहे होते हैं, सब रो रहे हैं बहुत ज़्यादा सेफ के लिए, और सेफ मुस्कुराते हुए अपनी जान देने जा रहे होते हैं। और ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर खत्म किया गया था, यानी कि सेफ को दिखाकर। ये समय पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर सेफ ने ली फुजू से एक बात कही थी, और वो ये थी कि वो लास्ट टाइम, उनकी लास्ट विश होती है कि वो मेड के लिए अपनी फेवरेट न्यू वाली डिश बनाना चाहते हैं जिसका नाम है अ कलरफुल रेनबो। और ये बनाते भी है, मेड देखती है और रोते हुए मेड बेचारी खाने लग जाती है। सेफ कहते हैं कि इसका नाम पता है तुम्हें ये क्यों है, क्योंकि तुम रेनबो जैसी सुंदर हो। मेड और बाकी सब ये चीज़ सुनकर रोने लग जाते हैं। और यहाँ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि इनका सर काटा जा रहा होता है, तभी गार्ड आ जाता है और कहता है कि मैं मारूंगा सेफ को, क्योंकि गार्ड ने चेन को बात करते सुन लिया था। ये जो दूसरा वाला आदमी मारने वाला है, इसके तलवार पर कुछ लगा हुआ है जिसकी वजह से सेफ की काफ़ी तड़प तड़प के मौत होगी, और गार्ड ये नहीं चाहता ऐसा हो, तो इसलिए वो गार्ड को ईजी मौत देना चाहता है। बट सेफ इसे कहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे घर में कोई नहीं है, एक मेरा भाई है, तो क्या तुम अपने बेटे को एक मेरा सरनेम दे दोगे? और ये मान जाता है गार्ड उस बात के लिए, और फिर सेफ को यहाँ पर मार दिया जाता है। सब रो रहे होते हैं पर चेन हंस रही होती है नागिन कहीं की। मेड को सभी पुराने वाले पल याद आ रहे होते हैं यहाँ पर, कि वो कैसे सेफ के साथ मस्ती किया करती थी, और तभी सामने आसमान में एक रेनबो बन जाता है। यहाँ पर किंग रानी की बात याद कर रहे होते हैं। रानी ने इनको बोला है कि तुम ली फुजू को मार दो, क्योंकि ली फुजू के आने की वजह से ही यहाँ पर इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पर किंग नहीं मार सकते हैं, ली फुजू को वो अपनी जान देकर भी बचाएंगे क्योंकि उनका ऐसा मानना है। ली फुजू यहाँ पर आ जाती है और किंग कहते हैं कि क्या हुआ, सेफ को मार दिया गया? ये कहती है हाँ। और फिर ली फुजू किंग को अपने साथ लेकर अपनी प्रेजेंट की दुनिया दिखाने के लिए जाती है, जहाँ पर किंग कहते हैं कि ये हेवन है क्या? ली फुजू कहते हैं कि नहीं, ये हेवन नहीं है और ना ही मैं परी हूँ।
ये फ्यूचर है जहाँ से मैं आई हूँ और यहाँ पर सब अपनी मर्जी से रहते हैं, जो मर्जी वो करते हैं और यहाँ पर लड़ाई भी नहीं होती है। ये देखो, ये मेरा क्लासमेट है जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह दिखता है। और फिर किंग की आंखें बंद करवा कर किंग को अपनी दुनिया यानी कि हमारे वर्ल्ड यानी प्रेजेंट में लेकर आती है और लीफूज उनसे कहते हैं कि तुम अपने राज्य को एक दिन ऐसा बना सकते हो, हार मत मानना, तुम कोशिश जरूर करना। अगले दिन मंत्री अपने सोल्जर्स को राजमहल में कब्जा करने के लिए, अटैक करने के लिए भेज देता। मंत्री पागलों की तरह लीफूजू को खोज रहे होते हैं, लीफूजू उनको कहीं नहीं मिलती है। यहाँ चेन किंग से मिलने आती है और कहती है कि लीफूजू कहाँ है बताओ मुझे। किंग कुछ नहीं बताते हैं। चेन के जाने के बाद लीफूजू और क्रीपी गाय दोनों किंग के रूम से बाहर आते हैं क्योंकि यहीं पर छुपे हुए थे। प्लान बनाते हैं कि आज क्रीपी गाय और लीफूजू दोनों रात को महल छोड़कर भाग जाएंगे क्योंकि महल में भी इतनी मौत है। क्रीपी गाय किंग को भी साथ चलने को कहता बट किंग मना करते हैं। लीफूजू कहते हैं कि तुम नहीं चलना चाहते हो, मुझे पता है कि एंडिंग में क्या होगा, एंडिंग मैंने देखी है और चेन तुम्हें आकर मार देगी। किंग कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लीफूजू इसे अपना किचन देती है जो काफी प्यारा सा इसको, और सेफ हमेशा की तरह आज भी गरीबों में खाना बांटने जा रहे होते हैं। और मंत्री का गार्डन को रोक कर चेक करने लगता है कि कहीं लीफूजू तो नहीं छुपी इसमें, पर इतने में सेफ के फ्रेंड को आ जाता है गुस्सा और वो ट्रिगर्ड हो जाता है, कहता है कि हम सेफ की मौत का बदला लेंगे। और यहाँ पर अपने सारे सेफ को बोलता है कि मारो इन गार्ड्स को, और यहाँ पर फाइट होने लग जाती है। इसी बीच लीफूजू और क्रीपी गाय गार्ड के कपड़े पहनकर यहाँ से निकल जाते हैं। और जब लीफूजू पीछे मुड़ के देखती है तो जो गार्ड्स होते हैं वो एक एक करके सारे सेफ को मार रहे होते हैं। एंड में जो सेफ का फ्रेंड था मेन वाला, उनको भी मार दिया जाता है क्योंकि सेफ कमजोर होते हैं गार्ड्स से। अब मरते हुए एंड में सेफ का फ्रेंड अपने फ्रेंड सेफ को काफ़ी याद कर रहा होता है। और यहाँ से लीफूजू रोती हुई चली जाती है क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती है। और यहाँ महल में किंग लीफूजू को मिस कर रहे होते हैं, उसके साथ शुरू में बिताए गए जो पल थे जो हमने देखे थे कितने हंसी खुशी वाले थे उनको याद कर रहे हैं। और लीफूजू क्रीपी गाय से पूछ रही होती है कि मेड हमारे साथ क्यों नहीं आई है यहाँ पर। ये कहता है कि वो कुछ काम करने के लिए रुकी है महल के अंदर। और फिर लीफूजू डिसाइड करती कि मैं ऐसे भाग नहीं सकती हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागूंगी, मैं वहाँ पर जाऊँगी। और अगले दिनों महल जाने का डिसाइड कर लेते। क्रीपी गाय बताता है कि मैं बचपन से ही मस्ती कर रहा हूँ, मैंने आज तक कोई भी काम नहीं किया अपने किंगडम के लिए, मेरे भाई ने हमेशा पूरा राज्य संभाला और मैं भी तुम्हारे साथ जरूर चलूँगा। अगली सुबह हम देखते हैं चेन किंग के पास आ रही होती है अपनी सैनिकों को लेकर, और इसी बीच मेड चेन पर चाकू से अटैक कर देती है, पर मंत्री का गार्ड बचा लेता है इसको। चेन अपने गार्ड से कहती है कि मार दो इसको। ये किंग का गार्ड देख रहा होता है, उसकी आंखों के सामने उसको प्यार को मारा जा रहा है, तो वो गुस्सा हो रहा है बट कुछ कर नहीं पा रहा। राजा उससे कहते हैं कि देखो, तुम जिससे प्यार करते हो उसको जाकर बचा सकते हो तो बचा लो। बस गार्ड भागता हुआ जाता है मेड को बचाने के लिए, बट उससे पहले वो मार देता है उसको। मेड यहाँ पर मर जाती है। अब ये देख के गार्ड गुस्सा होता है, फिर चेन कहती है कि इस गार्ड को भी मार दो। गार्ड सभी को मारने लग जाता है और एंड में मंत्री का जो गार्ड होता है वो इसको मार देता है। मरते हुए ये मेड की डेड बॉडी को देख रहा था और वो पल याद करता है जब इसको मेड से पहली बार प्यार हुआ था, जब इसने उसको रुमाल दिया था। और फिर यहाँ पर मेड जो है वो मर चुकी है और ये भी यहाँ पर मर जाता है। किंग देख रहे होते हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे होते। यहाँ पर चेन आकर कहती है ये सब मुझे परेशान कर रहे थे, इसलिए इनके साथ ऐसा होना चाहिए था। और फिर ये किंग को उठाकर वहीं से वाइन पिलाती है और किंग कहते हैं कि देखो, तुमने अपनी बड़ी बहन को भी मार दिया क्योंकि वो तुम्हें परेशान करती थी, बता, वो तो नहीं करती थी, वो तो इनोसेंट थी काफ़ी। और लीफूजू और सेफ ने भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुमने सेफ को मारा और लीफूजू के पीछे पड़ी हुई हो। तो चेन कहती है कि अच्छा, तो परी ने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, उसने तुमसे झूठ बोला, मैंने अपनी बहन को नहीं मारा है। किंग कहते कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया है। और हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, ये एपिसोड 2 का होता है, जब लीफूजू चेन को बता रही थी कि मुझे तुम्हारे बारे में सब पता, जब भी तुमने पहली बार मिले थे तो किंग ने ये सारी बातें सुन ली थी। उनको शुरू से ही पता था कि चेन ने ही मारा है उसको यानी अपनी बहन को। और इसी टाइम पता चल जाता है कि चेन ने अपनी बहन को मरवाया है, तो चेन की पूरी पोल पट्टी खुल गई है भाई। वो कहती कि तुम लोगों ने उसको इतना पसंद किया, उसको सर पे बिठा के रखा, मेरे पिताजी उसको बहुत प्यार करते थे, मेरे को बहुत जलन हुई और मैंने उसको मरवा दिया। फिर किंग कहते कि तुमने अपनी मासूम सी मेड को भी मार दिया फंसाकर, क्योंकि तुम एक घटिया औरत हो। यहीं पर एक सीन आता है जहाँ पर हम देखते हैं जब किंग बीमार थे तो लीफूजू को भगा कर चेन बैठ गई थी, बट किंग को पता था कि पूरी रात यहाँ पर लीफूजू बैठी हुई थी, ना कि चेन। चेन कहती कि तुम एक कठपुतली हो। वैसे ये बात बिल्कुल सच बोली है इसने, इस तो मैं भी अग्री करता हूँ। और किंग हंसते हैं, कहते हैं कि तुमने अपने राजा को जहर दे दिया अभी। अब ये सुन के मतलब परेशान कि जहर कब दिया, और तभी राजा के मुंह से खून आने लग जाता है। और एक्चुअल में जो किंग ने वाइन पी थी उसके अंदर पोइजन मिला रखा था उन्होंने पहले से, और इन्होंने ट्रिक कर दिया जैसे इसने पहले ट्रिक किया था ना लीफूजू को, वैसे ही बिल्कुल सेम तरीके से। और कहते हैं कि देखो, तुमने अपने एम्परर को जहर देकर मारा है,
तुम यहाँ पर मेरे मरने के बाद एम्परर बन जाओगी, बट दुनिया और हिस्ट्री में तुम्हारा नाम लिखा जाएगी, तुमने अपने राजा को जहर देकर मारा था, और कभी भी तुम सुकून की ज़िंदगी नहीं जी पाओगी, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी जो पुश्तें आएंगी वो हमेशा प्रॉब्लम में ही रहेंगे। तभी अली फुज़ू आ जाती है। किंग कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ फ्यूचर में स्कूल जाना चाहता हूँ और तुम्हें हमेशा मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ, और कुछ इमोशनल बातें करते हैं। फिर किंग की यहाँ पर डेथ हो जाती है। ली फुज़ू बहुत रोती है और सभी पुराने दिनों को याद कर रही होती है जब ये इनके साथ आई थी यहाँ पर और क्या क्या किया करती थी। और रानी आकर चीन को चाकू मार देती है और कहती है कि मैं अपने बेटे से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं करती हूँ, और दोनों फिर बिल्डिंग से नीचे गिर जाती है। और अचानक से ली फुज़ू की आँखें खुलती है उसी बाथरूम में जहाँ से सारी चीज़ें शुरू हुई थी, और भागती हुई अपनी फ्रेंड के पास आती है और कहती है कि वंडरफुल फेट की एंडिंग कैसी हुई थी, क्या किंग मर गया था? फ्रेंड कहती है कि ये स्टोरी पूरी नहीं है, अभी आधी है, लिखने वाले की तबीयत खराब हो गई थी उसी दौरान, तो उसने बस इसका पार्ट एक लिखा, अभी पार्ट टू आना बाकी है। तभी मॉनिटर आता है और ली फुज़ू से उसका बैग मांगता है, और ली फुज़ू बैग देकर आराम से जाकर बैठ जाती है। मॉनिटर भी परेशान है, अभी इसको क्या हो गया, अभी तो मेरे सर पे नाचा करती थी दो दिन पहले और अभी इतनी शांत क्यों हो रही है ये। और ली फुज़ू इन सभी बातों को ड्रीम समझकर भूल जाती है। वो थैंक यू कहती है ऊपर वाले का कि उसने किंग जैसे इंसान से उसको मिलवाया और उससे दोस्ती करवाई, उसके साथ इतना सारा पल बिताया, उन सब चीज़ों को याद करते हुए अपने दिन को बिताने लग जाती है। स्कूल में पढ़ती है मन लगाकर, और देखते देखते स्कूल कंप्लीट हो जाता है और अब ली फुज़ू आ गई होती है यूनिवर्सिटी में, और इसने एक अपनी खुद की स्टोरी बनाई होती है वंडरफुल फेट की, जिसमें जो एंडिंग होती है वो काफ़ी हैप्पी होती है, और उसने ड्रॉ करके बनाई है, और इसकी ड्राइंग एक आदमी को काफ़ी पसंद आ जाती है। वो आदमी इसको मिलने बुलाता है और अपने सीनियर को बुलाने चला जाता है, और सीनियर जब यहाँ आता है तो हमें पता चलता है कि सीनियर कोई और नहीं बल्कि वो खुद मॉनिटर ही होता है। और यहाँ पर वंडरफुल फेट की जितनी भी ड्राइंग्स रखी हुई है वो इस सीनियर ने ही बनाई होती है, जिसकी अगर हम शक्ल देखें तो बिल्कुल मतलब ली फुज़ू से मिलती है और किंग की बिल्कुल सेम टू सेम होती है। ये बताता है कि मुझे स्कूल के डेज में ड्राइंग करना बहुत पसंद था तो मैंने ये बनाया था। और यहाँ पर ये दोनों हाथ मिलाते हैं, डील करते हैं कि अब से हम साथ में काम करेंगे। सीरीज के एंड में हम देखते हैं ली फुज़ू की फ्रेंड को, उसी मेड को, मेड तो हम मर गई थी बट ली फुज़ू की फ्रेंड यहाँ जिंदा होती है, एक ये रेस्टोरेंट में बैठी हुई है जहाँ पर आज इसका फेवरेट खाना आ रहा होता है जो कि एक कलरफुल रेनबो होता है। ये वही डिश है जो कि उस शेफ ने उस मेड के लिए बनाया था, आपको याद होगा तो। और यहाँ का जो वेटर होता है वो बिल्कुल सेफ जैसा दिखता है, दोनों एक दूसरे को देख कर स्माइल करते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि दूसरे एक दूसरे को पहचान पा रहे कि नहीं पहचान पा रहे, मेरे को तो नहीं लगता पहचान पाएंगे वैसे, क्योंकि वो कुछ और था ये कुछ और है। और फिर यहाँ पर ये ड्रामा ख़त्म हो जाता है। ये ड्रामा काफ़ी अच्छा था और भाई सच में अच्छा था, इसमें हमें कॉमेडी के साथ इमोशनल मतलब बहुत सारे सीन्स दिखाए गए हैं, मतलब ये फ़नी भी है। देखो स्टार्टिंग में कुछ सीन्स है जो कि काफ़ी फ़नी होते हैं, बहुत फ़नी है। ओके तो अगर अच्छी लगी वीडियो और ये सीरीज़ तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और भी नई नई सीरीज़ आने वाली है। अगर आप लोगों की नज़र में कोई है अच्छी सी जो आप लोग देखना चाहते हो एक्चुअल में एंटरटेन होते हो तो कमेंट करके मेरे को बताना, ठीक है? और वीडियो को लाइक कर दो, मिलता हूँ तब तक के लिए, बाय।